तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी ये चैप्टर रेलवे के एग्जामों के लिए और अन्य कम्पिटेटिव एग्जामों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। हम लोग शुरू से पढ़ेंगे और इलेक्ट्रिसिटी में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में जानना और रजिस्टेंस के बारे में जानना, कैपेसिटर के बारे में जानना। इसके अलावा रजिस्टेंस का जोड़ना, रजिस्टेंस का श्रेणी क्रम क्या होता है और समांतर क्रम क्या होता है, ठीक है। तो चलो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो चैप्टर है हम लोग का वो है इलेक्ट्रिकल, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल को हम लोग आज शुरू करेंगे, बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। तो देखते हैं आज की पहली हेडिंग क्या कहती है। तो ये रही मेरी आज की पहली हेडिंग, जिसको बोलते हैं कूलाम का नियम। सबसे बेसिक हेडिंग हमारी यही होती है कि बताइए सर पहले कूलाम का नियम क्या होता है, ये बहुत पूछा जाता है हमारे एग्जामों में। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा कूलाम का नियम। अब कूलाम के नियम में क्या होता है इस बात को समझिए। कूलाम के नियम में क्या होगा कि मेरे पास दो तरह के चार्ज होंगे, ये रहे मेरे वो दो चार्ज। इनमें से एक चार्ज तो मैंने मान लीजिए Q1 बोल दिया और दूसरे चार्ज तो मैंने Q2 बोल दिया। फिर से देखिए, मैंने एक चार्ज तो Q1 बोल दिया, दूसरे चार्ज तो Q2 बोल दिया, और इनके बीच की जो दूरी है, इस दूरी को मैंने अपनी तरफ से R कह दिया। मतलब मेरे पास ये दो चार्ज है Q1 Q2 और इनके बीच की दूरी मैंने R बोल दी। तो इन दोनों चार्जों के बीच एक अट्रैक्शन फोर्स काम करता है। बस इसी अट्रैक्शन फोर्स का जो मान है ना, ये कूलाम ने दिया था। हालांकि मैं आपको बता दूं, कई बार ये फोर्स अट्रैक्शन फोर्स भी हो सकता है, यानी आकर्षण बल भी हो सकता है, और कई बार ये फोर्स आपका प्रतिकर्षण बल यानी रिपल्सन फोर्स भी हो सकता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना, अगर चार्ज सेम नेचर के हैं, मतलब या तो पॉजिटिव पॉजिटिव है या फिर निगेटिव निगेटिव है, सेम नेचर के हैं, तो सेम नेचर में जो भी हमारा फोर्स काम करेगा इन दोनों के बीच में, तो इन दोनों के बीच जो भी फोर्स काम करेगा वो असर होगा रिपल्सन फोर्स। रिपल्सन मतलब प्रतिकर्षण फोर्स है। तो ध्यान रखना, पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच प्रतिकर्षण बल यानी रिपल्सन बल काम करता है। लेकिन अगर ये अपोजिट नेचर के होते, अपोजिट नेचर का मतलब ये हुआ कि इनमें से यदि एक हमारा प्लस में होता और दूसरा शर्त आपका माइनस में होता, या ये वाला माइनस में होता वो वाला प्लस में होता, तो इन दोनों के बीच जो फोर्स काम करता सर, वो फोर्स काम करता तुम्हारा अट्रैक्शन फोर्स। मतलब ऐसे आप इस बल को बोलते हैं अपना आकर्षण बल। कौन सा बल बोला जा रहा है इसको? आकर्षण बल बोला जा रहा है, ठीक है। तो आप ये बात समझे ना कि अगर ये तो निगेटिव निगेटिव है तो प्रतिकर्षण बल, पॉजिटिव पॉजिटिव है तो भी प्रतिकर्षण बल, लेकिन अगर निगेटिव पॉजिटिव है या पॉजिटिव निगेटिव है तो आकर्षण बल काम करेगा। अब इन्होंने क्या बोला था कि दो चार्ज या दो आवेश के बीच लगने वाले बल के बारे में क्या बोला था? इन्होंने ये बात बोला था कि जब भी कभी दो चार्ज होंगे तो उनके बीच जो टार करने वाला फोर्स होगा वो दोनों चार्जों के गुणनफल के समानुपाती, यानी Q1 Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, Q1 Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और उनके भी जो बीच की दूरी R होती है ना उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मैं आपको बता दूं, कोई भी फोर्स हो, जितने भी हमारे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं, यानी जो कुछ दूरी पर रखे होंगे तब काम करेंगे, वो हमेशा आपके फोर्स R स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं R स्क्वायर के। एग्जाम्पल के तौर पर गुरुत्वाकर्षण बल, अब देखिए गुरुत्वाकर्षण बल gm1m2 बटे R स्क्वायर होता है। मतलब जितने भी हमारे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं वो R स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं भाई साहब, और Q1 Q2 के समानुपाती। अब जैसे ही इन्होंने ये बात बोली कि Q1 Q2 के समानुपाती होगा और R स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होगा, तो तुरंत इसके बाद मुझे ये बात पता चली कि अगर मैं यहां से प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाऊं तो मुझे एक कॉन्स्टेंट लगाना पड़ेगा। वो कॉन्स्टेंट होता है 1/4πε0, और देखिए फॉर्मूला बन जाएगा Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। तो दो आवेशों के बीच लगने वाला जो इलेक्ट्रिकल फोर्स होता है उस इलेक्ट्रिकल फोर्स का ये तुम्हारे पास फॉर्मूला आ गया है ना। तो आप सब लोग कॉपी में नोट भी करते जाइए और नोट करने के साथ साथ इसको बोलते भी जाइए। फॉर्मूला क्या आया है सर? फॉर्मूला आया है F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर मुझे ये भी बताना पड़ेगा कि ये जो सर 1/4πε0 है इसका मान कितना होता है। कई बार एग्जामों में पूछा जाता है, तो ध्यान रखना 1/4πε0 का मान होता है 9×10⁻⁹। पहले तो आप 9×10⁹ याद कर लो, ठीक है। सर मात्रक क्या होगा? तो मुझे पूरा इसका मात्रक बनाना है, तो फोर्स का मात्रक हो जाएगा न्यूटन, आर स्क्वायर ऐसे जाएगा तो मीटर स्क्वायर, और कूलाम ध्यान दीजिएगा आवेश का मात्रक होता है कूलाम, तो इसका भी कूलाम, तो कह सकते हो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ठीक है। तो 1/4πε0 का मान भी आपको याद रखना है 9×10⁹
या 10^9 और मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरी पहली स्लाइड थी, कूलाम का नियम याद करके रखिएगा। ठीक है, चलो अगली देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अगला है मेरे पास सर, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है और वैद्युत विभव क्या होता है। ठीक है, ये बहुत छोटी सी हेडिंग है, इंटरमीडिएट बड़ी डिटेल में हम लोग पढ़ा करते थे, लेकिन यहां हम लोग को शॉर्टकट में पढ़ना है। पहले मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर लेता हूं। सर इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग शो करेंगे ई से, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करेंगे ई से और वैद्युत विभव को प्रदर्शित करेंगे वी से। ठीक है, तो ई और वी, ई वैद्युत क्षेत्र और वी सर वैद्युत विभव। अच्छा, अब सवाल जल्दी से बताइए ई क्या होता है। तो ध्यान रखना, जब भी कभी मैं बात ई की करता हूं तो ई का फॉर्मूला होता है अप्लाई किया गया विद्युत बल और बटे आवेश, एफ बटे क्यू। एफ बटे क्यू हमारा कह सकते हो ये तुम्हारा कहलाता है ई का मान। तो ई का फॉर्मूला आप सब लोग इस तरह से याद रखेंगे कि सर ई का जो फॉर्मूला होगा वो ई बराबर एफ बटे क्यू होगा। लेकिन गौर से देखिए, मैंने जब फॉर्मूला लिखा तो ई के ऊपर मैंने वेक्टर लगा रखा है, देख लीजिए। चाहे इसका मतलब पता है क्या है सर, इसका मतलब ये है कि ये जो वैद्युत क्षेत्र ई है ना, ये जो वैद्युत क्षेत्र ई है ना, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। हिंदी में बोला जाए तो आप इसको कह सकते हैं कि ये एक सदिश राशि है। कौन सी राशि है भैया? सदिश राशि है वैद्युत क्षेत्र ई। और वैद्युत क्षेत्र ई के बारे में अगर बोला जाए कि सर इसका मात्रक क्या है, तो ऊपर सर फोर्स है, ऊपर फोर्स है। तो जल्दी बताइए फोर्स का मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन। और आवेश का मात्रक कूलाम। तो वैद्युत क्षेत्र ई का जो मात्रक होता है वो न्यूटन प्रति कूलाम होता है। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग बात करते हैं वैद्युत विभव की। अब देखिए वैद्युत विभव क्या होगा। सर बात वैद्युत विभव की आई है तो वी बराबर फॉर्मूला है, पहले तो वी बराबर फॉर्मूला, बस जहां सर फोर्स था वहां पर कार्य रख दीजिए यानी डब्ल्यू रख दीजिए, तो डब्ल्यू बटे क्यू कर दीजिए, तो वी बराबर डब्ल्यू बटे जो क्यू होता है सर, यही तुम्हारा वैद्युत विभव है। ले गौर से देखिए, मैंने यहां पर ना भाई डब्ल्यू तो अधिस राशि है, कार्य अधिस राशि होती है, लेकिन वैद्युत विभव भी तो फिर अधिस राशि हो जाएगी, है नहीं? क्योंकि डब्ल्यू अधिस राशि है तो वैद्युत विभव अधिस राशि, यहां फोर्स सदिश राशि थी तो वैद्युत क्षेत्र सदिश राशि था। ठीक है, तो आपसे कोई पूछे कि बताओ भैया ये जो सर वी है ये कैसी राशि है, तो आपका जवाब जाएगा सर ये अधिस राशि है, इंग्लिश में बोला जाता है इसको स्टेलर क्वांटिटी है। बोलो इतनी बात सबको क्लियर है ना। सर मात्रक की बात, मात्रक बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया वैद्युत विभव का। मैं आपको पहले बता दूं, जितनी भी चीजों में क्षेत्र लगा हो वो सब सदिश राशि है। वैद्युत क्षेत्र सदिश राशि, गुरुत्वीय क्षेत्र सदिश राशि, चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि, खुद क्षेत्रफल सदिश राशि। तो बाकी बचा दूसरा वाला अधिश राशि हो जाएगी, है ना। मात्रक की बात करते तो डब्ल्यू, डब्ल्यू का मतलब वो आएगा जूल, और क्यू मतलब कूलाम, तो जूल प्रति कूलाम बोलो, या फिर जूल प्रति कूलाम को हम लोग एक और नाम से भी जाना जाता है वोल्ट, है ना। तो ध्यान रखना वी का जो मात्रक होता है वो जूल प्रति कूलाम होता है, जूल प्रति कूलाम कहिए, या फिर आप इसको वोल्ट के नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है, तो हमने वैद्युत क्षेत्र पढ़ा, वैद्युत विभव पढ़ा, एक और आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा इन दोनों के बीच संबंध क्या होता है। तो ध्यान रखना अगर मैं इन दोनों के बीच संबंध की बात करता हूं, बताइए सर इन दोनों के बीच रिलेशन क्या होता है ई और वी के बीच। तो ध्यान रखना ई और वी के बीच रिलेशन होता है ई बराबर माइनस का डीवी बटे डीएक्स, माइनस का डीवी बटे डीएक्स, ये ई और वी के बीच संबंध होता है, इसको याद करके रख लीजिएगा भाई सब लोग, ई बराबर माइनस का डीवी बटे डीएक्स। अब एक और चीज आपको पता होनी चाहिए, देखो वो चीज क्या है। सर वैद्युत क्षेत्र का एक मात्रक तुमने न्यूटन प्रति कूलाम बताया याले फॉर्मूले से, और वैद्युत क्षेत्र का दूसरा मात्रक यहां से भी बन सकता है, कैसे? ऊपर वी है, वी मतलब वोल्ट, और नीचे dx है तो वोल्ट प्रति मीटर, तो वोल्ट प्रति मीटर ये भी वैद्युत क्षेत्र E का मात्रक होता है भाई, dV का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर। बोलो क्लियर है ना। तो ये तुम्हारा अगली स्लाइड थी, इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, अगली स्लाइड। हां अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, डिजाइए इसको आप लोग बोलते प्रतिरोध, हिंदी में प्रतिरोध और इंग्लिश बोला जाता है रेजिस्टेंस। तो जब भी कभी ये वर्ड आपके सामने आया प्रतिरोध क्या होता है, तो आप सीधा सीधा ये कहना दोस्त कि प्रतिरोध का मतलब होता है किसी चीज का विरोध करना। तो प्रतिरोध की यही परिभाषा भी होती है कि जो धारा के बहने का विरोध करे, जो धारा के बहने का विरोध करे उसी को प्रतिरोध कहते हैं। हरा चलो देखो डेफिनेशन क्या, डेफिनेशन लिखिए किसी चालक का वह गुण जो उसमें प्रवाहित होने वाले धारा का विरोध करता है, बहने वाली धारा का विरोध करता है सर, उसे प्रतिरोध कहते हैं।
यानी इन शॉर्ट आप ये कह सकते हो कि सर अगर आप में रेजिस्टेंस ज्यादा है, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है, तो धारा आई का मान कम हो जाएगा, और अगर आपका रेजिस्टेंस कम है तो धारा आई का मान बढ़ जाएगा। तो रेजिस्टेंस ज्यादा होना बताता है धारा कम हो रही, यानी रेजिस्टेंस जो है वो धारा का विरोध करता है। ठीक है, एनी कंडक्टिंग प्रॉपर्टी दैट अपोज द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, मतलब जो करंट के बहने का अपोज करे, सर उसी को बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, अब इसके बाद मैं एक आपको और बताता हूं पॉइंट, ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस कई बार एग्जाम में पूछा गया, कई बार एग्जाम में ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस पूछा गया है, बताइए ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस कितना होता है। तो ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस दो आंसर बताए जाते हैं, एक 10^6 ओम और दूसरा आंसर बताया जाता है 10^2 ओम। ध्यान रखना सर ये क्या लॉजिक है, आपने कहा ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस 10^6, 10^2, इनमें से कौन सा आंसर सही होगा वाली। अब आप मुझे बताओ, आपको अपने शरीर में करंट कब ज्यादा लगता है, जब आप ढीली अवस्था में होते हो, ढीले मतलब ढीले कुछ और मतलब ना निकालना भैया ढीले, और एक होता है सूठी अवस्था, तो करंट कब ज्यादा लगता है। कौन सर करंट जो है ढीली अवस्था में ज्यादा लगता है, ओहो करंट ज्यादा है ढीली अवस्था में, करंट ज्यादा है, करंट ज्यादा है, करंट ज्यादा है, तो रेजिस्टेंस देखो कम हो जाएगा। क्लियर है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कम वाला रेजिस्टेंस है ये तब होगा जब आप ढीले हो गए, क्योंकि ढीली अवस्था में आपको करंट ज्यादा लगती है, और जब ढीली अवस्था में करंट ज्यादा लगती है इसका मतलब रेजिस्टेंस कम होगा, और ये उस समय होगा जब आप ड्राई हो गए, ड्राई अवस्था में आपको करंट कम लगती है, झटका कम लगता है, इसका मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो मानव शरीर का वेट अवस्था में रेजिस्टेंस 10^2 ओम होता है, ड्राई अवस्था में रेजिस्टेंस 10^6 ओम होता है। आप रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने का भैया ये तरीका ये है ना, तो ये रेजिस्टेंस मैंने मान लिया 8 ओम का है, और रेजिस्टेंस का कोई मात्रक पूछे तो रेजिस्टेंस का मात्रक कह देना सर ओम होता है, कितना होता है ओम होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, बोलो क्लियर है ना। तो रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, रेजिस्टेंस के बारे में बेसिक बात ये है कि रेजिस्टेंस ज्यादा तो धारा कम, रेजिस्टेंस जो है हमेशा धारा के बहने का विरोध करता है। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, अगली स्लाइड क्या है, अगली स्लाइड है मेरे पास ओम का नियम। ये बड़ा जबरदस्त है, ये बड़ा जबरदस्त है, क्योंकि ज्यादातर प्रश्न आपके ओम के नियम से ही बनते हैं। क्या कहता है ओम का नियम, मैं आपको बताता हूं। ओम का नियम ये कहता है कि अगर आपके पास ये कोई चालक है, ये कोई चालक है, चालक का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, तो स्थिर ताप पर यानी कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे जब टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होगा तो किसी भी चालक में जो बहने वाली धारा होती है, या फिर यूं कहिए कि तार में प्रवाहित होने वाली धारा उसके सिरों के वोल्टेज के समानुपाती होती है। अब मैं बताता हूं आपको, मान लीजिए ये कोई रेजिस्टेंस है, इसको मैंने अपने तरफ से आर कह दिया, और इसके दोनों सिरों पर आने वाला जो वोल्टेज डिफरेंस है, वोल्टेज डिफरेंस है ना, दोनों सिरों पर वोल्टेज डिफरेंस, उसको मैंने वी माना, और बहने वाली जो धारा है उस बहने वाली धारा को मैंने अपनी तरफ से, यहां से यहां बहने वाली धारा को मैंने अपनी तरफ से आई माना, आई माना। तो इनका नियम ये कहता है कि जो बहने वाली धारा होगी या वोल्टेज होगा वो धारा आई के समानुपाती होगा। ठीक है, जो वोल्टेज होगा वो धारा आई के क्या होगा, समानुपाती होगा, या आई वी के समानुपाती होगा, आप ऐसा कह सकते हो। ठीक है, बोलो इतनी बात सबको क्लियर है ना। अब आप ये मुझे बताओ जरा, जो फॉर्मूला मुझे लेके आना है वो आई बराबर वी बटे आर लेके आना है, आई बराबर वी बटे आर लेके आना है, तो मैंने वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई मान लिया। अगर v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल i है तो मैं क्या ऐसा बोल सकता हूं, अगर ये प्रोपोर्शनल चिन्ह हटाया जाएगा तो एक रेजिस्टेंस यानी एक नीतांत लाया जाएगा, और नीतांत होता रेजिस्टेंस r इंटू आई। ठीक है, अब यहां से जल्दी से बताइए, क्या मैं v बटे i को r कह सकता हूं, तो r v और i में अगर पूछे कि बताओ संबंध क्या होगा, तो आपको बताना है v बटे i बराबर r, v बटे i बराबर क्या हो जाएगा r। ठीक है, तो R बराबर फॉर्मूला या V बराबर आई आर याद कर लो, कैसे भी याद कीजिए, याद भाई आपको करना है। ठीक है, तो V बटे I जो है वो R के बराबर होता है, आप इसको उल्टा करके भी याद कर सकते हो, बहुत सारे लोग ऐसे भी याद करते हैं कि R बराबर होगा सर V बटे I। बोलो इतनी बात सबको क्लियर है ना। अब बात हम लोग R के मात्रक की कर लेते हैं कि सर रेजिस्टेंस R का मात्रक क्या होता है, तो रेजिस्टेंस R का मात्रक या तो आप ओम कहो,
या फिर देखो यहां से भी निकाला जा सकता है, यहां से देखो देखो वी का मात्रक हो जाएगा वोल्ट और आई का मात्रक हो जाएगा एम्पियर, तो वोल्ट प्रति एम्पियर भी आप कह सकते हो आर का मात्रक। ठीक है, तो ओम का नियम यह कहता है कि स्थिर ताप पर सिरों के बीच आने वाला वोल्टेज धारा के समानुपाती होता है। आपने समानुपाती के बाद प्रोपोर्शनल चिन्ह हटाया, एक नितांड लगाया, आर बोला और आर बराबर वी बटे आई है। ठीक है, लेकिन ये चीज सिर्फ और सिर्फ धारकना धातुओं के लिए या किसी कंडक्टर के लिए वैलिड होता है। ओम का नियम सिर्फ और सिर्फ धातु या फिर कंडक्टर के लिए वैलिड होता है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, यह बात आपको इस वाली स्लाइड में और अच्छे समझ में आ जाएगी। अब देखो यहां पर मैंने दो हेडिंग एक साथ ली है, एक को बोला है मैंने ओमी और दूसरे को बोला अनओमी परिपथ। सर ओमी परिपथ क्या होता है? डायरेक्ट ना अगर बात मैं ओमी परिपथ की करता हूं कि सर क्या है ये मेरा ओमी परिपथ, तो आप कहना ओमी परिपथ वो परिपथ होता है जो ओम के नियम का पालन करे, जो ओम के नियम का पालन करे। ओम के नियम का पालन करने का मतलब यह है कि वोल्टेज जो है धारा आई के समानुपाती हो, वोल्टेज धारा आई के समानुपाती हो जो ओम के नियम का पालन करे, बस वही सर तुम्हारा ओमी परिपथ है। और अगर बात किया जाए कि बताइए कौन है अनओमी परिपथ, तो अनओमी परिपथ वो होता है जो ओम के नियम का पालन नहीं करता। जो ओम के नियम का पालन नहीं करेगा सर वो अनओमी परिपथ कहलाएगा, यानी वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई ना होके वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई की पावर एन होगा। अब ये एन जो है ना, अगर ये एन वन होता तो यह फॉर्मूला आ जाता, लेकिन ये एन यहां पर वन के बराबर नहीं है, आप ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, अब आप मुझे जल्दी से बताओ अगर वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई है यहां पर, और बाय द वे आपने यहां पर वी को वोल्टेज को वाई एक्सिस में लिया है और धारा आई को एक्स एक्सिस में लिया है, अब आप मुझे ये बताओ वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई है, वी को तुमने वाई एक्सिस में लिया, आई को तुमने एक्स एक्सिस में लिया, तो वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स आ गया ना। अब ये बताओ y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x की लाइन कैसे आती है, तो कहो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x की लाइन कुछ ऐसी आती है, देख लो है ना। तो ये ग्राफ ये बताता है कि यहां पर v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल i है, और यही वो ग्राफ है जो बताता है कि ये परपथ तुम्हारा ओमी है। तो ओमी परपथ के लिए v और i के बीच खींचा गया ग्राफ होगा सर वो एक प्रकार से कह सकते हो कि स्ट्रेट लाइन होगा, प्योर स्ट्रेट लाइन। ठीक है सर, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो ओमी परपथ होती है, तो इसका एग्जाम्पल होता है आपका धातुएं, मेटल। ठीक है, तो जितनी भी तुम्हारी धातुएं हैं जिनको आप चालक भी कह सकते हो, कंडक्टर भी कह सकते हो, वो सब के सब ओमी परपथ होती है। अब इसके बाद एक और बात सुन लो भैया, कई बार क्वेश्चन आता है कि सर बताओ यहां की स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगी। मैं हमेशा आपको बताता चला आ रहा हूं, आज फिर बताता हूं, स्लोप का मतलब थीटा नहीं होता, स्लोप का मतलब होता है टेन थीटा। तो मैं आपसे पूछूं कि यहां पर टेन थीटा बताओ क्या होना चाहिए, तो टेन थीटा बताने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा कि यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा, तो टेन थीटा हो जाएगा लंब बटे आधा, टेन थीटा हो जाएगा लंब बटे आधा, तो लंब ये हो जाएगा और आधार तुम्हारा ये हो जाएगा। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि जब तुम टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार लगाओगे तो लंब होगा वोल्टेज और आधार हो जाएगा आई, तो टेन थीटा बराबर वी बटे आई, और टेन थीटा बराबर अगर वी बटे आई आया तो मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको वी बटे आई मतलब आर होता है। तो आप कह सकते हो कि वी आई जो टर्व है उस टर्व की जो स्लोप है मतलब प्रवणता है वो क्या बताती है, रेजिस्टेंस बताती है, प्रतिरोध बताती है। बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ओमी परपथ वो परपथ होंगे जो ओम के नियम का पालन करेंगे, एग्जाम्पल धातु है, इनके लिए वी आई टर्व कैसा आता है, एक स्ट्रेट लाइन आता है। अच्छा, अब मैं बात अनओमी परपथ की करता हूं। सर अनोमी परपथ वो परपथ होते हैं जो ओम के नियम का पालन नहीं करते, दैट मींस वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई ना होता, आई डी पावर एन होगा। अर्थात अगर मैं यहां पर इन दोनों के बीच वी आई टर्व खींचू, तो वी आई टर्व खींचू ना, तो देखो वी तो तुमने वाई एक्सिस में लिया, आई तो तुमने एक्स एक्सिस में लिया, तो वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स की पावर एन। इसका मतलब आने वाला जो टर्व है वो ऐसे एक टर्व आएगा, स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। तो जब भी कभी इस तरह से टर्व आ जाए तो समझ जाना ये तुम्हारा अनओमी परपथ है। सर इसका एग्जाम्पल कुछ होता है, बिल्कुल होता है। इसका एग्जाम्पल आपको लिखना सबसे पहले सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर का मतलब होता है अर्धचालक, जैसे कि डायोड, जैसे कि डायोड, जैसे कि ट्रायोड, जैसे कि ट्रायोड है ना। तो जितने भी तुम्हारे डायोड ट्रायोड होते हैं, ट्रांजिस्टर होते हैं, अर्धचालक जहां पर यूज किए जाते हैं, सिलिकॉन कार्बन वगैरह,
सर वो सब हमारे अनोमी परपथ होते हैं, है ना। तो यहां पर मैंने आपको ओमी परपथ क्लियर किया है और अनोमी परपथ पूछा जाता है कि बताइए इनमें से किसमें ओम का नियम लग नहीं लगेगा, तो आंसर में चांदी होगा, आंसर में कॉपर होगा, आंसर में डायोड भी होगा, तो आपको आंसर डायोड लगाना है, ठीक है। चलिए तो ये ओमी अनोमी परपथ हो गया। अगली स्लाइड देखिए, विशिष्ट प्रतिरोध, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको दावे के साथ लिस्ट दे सकता हूं कि ये स्लाइड हमारे कंपिटेटिव एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछी जाती है। विशिष्ट प्रतिरोध, सर क्या है ये विशिष्ट प्रतिरोध? इसको हिंदी में हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध और इंग्लिश में रेजिस्टिविटी कहते हैं। अब सुनो बड़े ध्यान से, जैसे कि मैं मान लीजिए मेरे पास ये रहा कोई वायर, तो वायर के पास दो चीजें होंगी, वायर के पास दो चीजें होंगी, एक तो उसकी लंबाई होगी एल और दूसरा होगा उसका क्रॉस सेक्शन एरिया, दूसरा होगा उसका क्रॉस सेक्शन एरिया जिसको आप अपनी तरफ से ए कहोगे, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, जो भी तुम्हारा किसी भी धातु का रेजिस्टेंस होता है, किसी भी धातु का प्रतिरोध आर होता है, वो धारक ना उसकी लंबाई के समानुपाती होता है लेकिन एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब ये कि लंबाई जितना ज्यादा होगी रेजिस्टेंस उतना ज्यादा, एरिया जितना कम होगा उल्टा है ना, एरिया के साथ रेजिस्टेंस उतना ज्यादा, है ना। तो जब ये प्रोपोर्शनल चिन्ह हटाया जाता है तो एक कांस्टेंट आता है जिसका मान होता है रो, तो आर बराबर रो एल बटे ए, आर बराबर रो एल बटे ए। अब कोई पूछे कि बताओ ये रो क्या है, तो बस ध्यान रखिएगा भैया सब लोग, इस रो को ही हम लोग रेजिस्टिविटी कहते हैं, इस रो को ही हम लोग रेजिस्टिविटी कहते हैं, और इंग्लिश बोला जाता है इसको रेजिस्टिविटी, हिंदी बोलते हैं हाँ, विशिष्ट प्रतिरोध। सर रो का मात्रक क्या है? अगर मैं रो के मात्रक की बात करूं तो ओम के साथ मीटर स्क्वायर ऐसे जाएगा बटे मीटर, तो एक मीटर कैंसल आउट हो जाएगा जिसकी वजह से मात्रक आ जाएगा ओम मीटर, ओम मीटर, ठीक है। अब देखो बड़ी इंपॉर्टेंट मैं बात बताने जा रहा हूं, उस बात को पहले समझो, बड़े ध्यान से समझो, बहुत ध्यान से समझो। कह दे जब भी कभी बात रेजिस्टेंस की करना, तो धारक ने जो रेजिस्टेंस होता है किसी भी धातु का रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध, तो प्रतिरोध किन किन चीजों पर डिपेंड करता है? प्रतिरोध डिपेंड करेगा रो पर, प्रतिरोध डिपेंड करेगा एल पर, प्रतिरोध डिपेंड करेगा ए पर। यानी रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करेगा? रो पर, एल पर और ए पर। लेकिन इस बात को याद रखिएगा, ये जो तुम्हारा रो है ना, रो सर ये लंबाई एल और ए पर डिपेंड नहीं करता, रो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है मेटीरियल पे, मेटल पे, मेटीरियल पे। यानी कैसा मेटीरियल? मेटीरियल चेंज, रो चेंज, मेटीरियल बदल दिया आपका, रो बदल दिया, लेकिन मेटीरियल के बदल ए, लंबाई और ए बदलने से, देखो जैसे कि मैं आपको बताऊं, लंबाई बदलेगी, एरिया बदलेगा, कुछ भी मैंने मान लिया, तो रजिस्टेंस जरूर बदलेगा, रजिस्टेंस जरूर बदलेगा, इस बात को याद रखिएगा। लेकिन हमारा जो रो होगा ना, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, रो हमेशा कैसा रहेगा? कांस्टेंट। तो रेजिस्टेंस जो है ना, वो लंबाई एरिया पे डिपेंड करता है, लेकिन जो रो है ना, रो रेजिस्टिविटी, इट्स ओनली डिपेंड अपॉन मटेरियल। मटेरियल कैसा है? चांदी है तो रो अलग होगा, अगर कॉपर है रो अलग होगा, लंबाई और एरिया बढ़ाने से रो पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना। तो ये ध्यान रखना भाई सब लोग। अभी मैं टेम्परेचर की बात नहीं कर रहा हूं, टेम्परेचर का प्रभाव मैं बाद में देखूंगा, लेकिन आपको ये समझना है कि आर जो है ना, वो इन दोनों पे डिपेंड करता है, लेकिन रो इन दोनों पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो आर बराबर रो एल बटे ए, याद रखना। और एक बात सुन लो, लंबाई ज्यादा होगी और एरिया अगर कम है, लंबाई ज्यादा है एरिया कम है, तो ध्यान रखना उसका जो रेजिस्टेंस आएगा सर वो ज्यादा आएगा। यानी लंबा तार है और पतला तार है तो रेजिस्टेंस ज्यादा, लंबा तार पतला तार रेजिस्टेंस ज्यादा। और उसके बाद एक और चीज याद रखिए, लंबाई कम है एरिया ज्यादा है, एरिया ज्यादा है मतलब छोटा तार है और मोटा तार है, छोटी एरिया ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम। आप ऐसे याद करो, लंबे तार का रेजिस्टेंस ज्यादा, छोटे तार का रेजिस्टेंस कम, ठीक है। तो ये तुम्हारा रेजिस्टेंस पर डिपेंड करते हैं एल और ए, लेकिन जो रो है ना, वो एल और ए पे डिपेंड नहीं करते, ये सिर्फ और सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करते हैं, याद रखिएगा। चलो अगली स्लाइड देखिए, ये देखिए जल्दी जल्दी, अब हम लोग दो स्लाइड और देखेंगे।
इनमें से एक होती है चालकत्व, जिसे आप कंडक्टेंस कहते हैं, और एक होती है चालकता, जिसे आप कंडक्टिविटी कहते हैं। भैया ये दो स्लाइडें बड़ा कंफ्यूज करती है, मैं थोड़ा सा बता दूं। पहले मैं आपको चालकत्व के बारे में बता दूं। ये रही तुम्हारी चालकत्व, कंडक्टेंस। जब भी कभी बात यहां पर कंडक्टेंस की करना, तो ध्यान रखना कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं जी से। कंडक्टेंस मतलब जी। तो जो तुम्हारा कंडक्टेंस होता है ना जी, वो रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। यानी कंडक्टेंस जो हो रहा वो रेजिस्टेंस का उल्टा हो रहा है, इस बात को याद रखिएगा। तो रेजिस्टेंस का उल्टा होता है कंडक्टेंस, तो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस, चालकत्व। और चालकत्व को प्रदर्शित करते हैं भैया जी से। अगर जी तुम्हारा चालकत्व है जो कि रेजिस्टेंस का उल्टा है, तो इसका मात्रा का और पूछा जाता है। तो देखो रेजिस्टेंस का मात्रक क्या होता है सर, ओम होता है। तो जी का मात्रक क्या हो जाएगा सर, जी का मात्रक 1/ ओम हो जाएगा। और 1/ ओम को कई बार ये लोग उल्टा करके भी लिखते हैं। उल्टा करके लिखने का मतलब ये है कि कई बार इसको मोह भी लिखते हैं। ओम का उल्टा कर दो तो MHO, जिसको आप मोह भी कहते हो। ठीक है, बोलो क्लियर है ना। तो ओम का उल्टा हमारा मोह है। तो ध्यान रखिएगा रेजिस्टेंस का उल्टा चालकत्व कहलाता है, यानी जी बराबर 1/r होगा। ठीक है, चलो आगे देखिए। इसके बाद अगली स्लाइड सर, चालकता क्या होती है, चालकता क्या होती है। तो जो चालकता होती है, जिसको आप कंडक्टिविटी कहते हैं, ये सर रो की उल्टी होती है। यानी अभी आपने जो दो टर्म पढ़े ना, आर और रो पढ़ा ना, तो ध्यान रखना जो जी था चालकत्व था वो आर का उल्टा था, लेकिन कंडक्टिविटी जो है, चालकता जो है सर, चालकता जो है वो रो की उल्टी होती है, इस बात को याद रखना। ठीक है, तो ये तुम्हारा चालकता है कंडक्टिविटी, और कंडक्टिविटी को शो करते सिग्मा से। ठीक है, तो सिग्मा बराबर 1/ρ। अब ये बताओ रो का मात्रक, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया ओम मीटर, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा सर, इसका मात्रक हो जाएगा ओम मीटर का इनवर्स, या फिर कई बार इसको सीमेन के नाम से भी जाना जाता है, कई बार इसे सीमेन के नाम से जाना जाता है। बोलो क्लियर है ना, सब तो बात समझ आ रही ना। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, चालकत्व आर का उल्टा होता है, लेकिन चालकता रो का उल्टा होता है। ठीक है, ये दो हेडिंग है, बड़ा कंफ्यूज करती है, आप याद कर लीजिएगा इसको। चलो आगे देखिएगा। इसके बाद ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हेडिंग है, ये आजकल हमारे एग्जामों में सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली हेडिंग है। अब देखना ये हेडिंग क्या कहती है सर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। आपको पदार्थ में टेम्परेचर का प्रभाव बताना है, और तब बताना है जब तुम्हारे पास जो है धातु, मतलब जब तुम्हारे पास जो है धातु या मिश्र धातु के बारे में पूछा जाए, और दूसरा जब आपको अर्धचालक के बारे में पूछा जाए। ठीक है, तो इस बात को याद रखना, हम लोग जो प्रभाव देखेंगे वो टेम्परेचर को बढ़ने के हिसाब से देखेंगे, टेम्परेचर को बढ़ाने के हिसाब से देखेंगे कि बताइए अगर सर मैंने टेम्परेचर को बढ़ाया होता, तो टेम्परेचर को बढ़ाया होता धातुओं और मिश्र धातुओं में, तो बताइए प्रतिरोध और प्रतिरोधकता पे क्या प्रभाव पड़ता, और अर्धचालक पे बढ़ाया होता तो क्या प्रभाव पड़ता। ठीक है, तो पहले हम लोग ऊपर वाली बात कर लेते हैं, यानी धातु और मिश्र धातु की बात कर लेते हैं। तो ध्यान रखना जब भी कभी हम लोग धातु या मिश्र धातु में टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, तो ध्यान रखना टेम्परेचर को बढ़ाते समय यहां पर एक और चीज है सर, इसमें रेजिस्टेंस आर बढ़ता है और रेजिस्टिविटी भी बढ़ती है। तो धातु और मिश्र धातु में ध्यान रखना टेम्परेचर बढ़ाने से आर और रो दोनों बढ़ते हैं। तो यहां क्या हो जाएगा सर, टेम्परेचर बढ़ाने से जो इसकी चालकता है यानी सिग्मा है, है ना, टेम्परेचर बढ़ाने से सर जो सिग्मा सर वो घट जाएगा, उल्टा है ना भाई, आर और रो सिग्मा के उल्टे होते हैं, है कि नहीं। तो आप ये कह सकते हो कि धातु और मिश्र धातु में टेम्परेचर बढ़ाने से आर बढ़ता है रो बढ़ता है, तो कन्फर्म सिग्मा यानी चालकता घट जाएगी। अब इसका उल्टा तुम्हें यहां करना है, उल्टा करने का मतलब यह है कि जब भी कभी बात अर्धचालक की करना, तो अर्धचालक में अगर तुमने टेम्परेचर को बढ़ाया है, तो ध्यान रखना आर और रो दोनों घटेंगे। अच्छा सर, आर और रो घटेंगे तो चालकता क्या हो जाएगी सर, चालकता बढ़ जाएगी, उल्टी है हरा। तो मेरे भाई आप लोग क्या करो, एक चीज याद कर लो, बार बार कंफ्यूज मत हो, धातु मिश्र धातु इनके लिए याद कर लो कि टेम्परेचर बढ़ाने से आर बढ़ता है रो बढ़ता है, बस इसके अलावा कुछ नहीं याद करना। फिर से मेरे साथ बोलिए कि धातु मिश्र धातु के लिए टेम्परेचर बढ़ाने से आर और रो बढ़ता है, तो आर और रो बढ़ेगा तो सिग्मा घटेगा। अगर धातु और अधातु है मिश्र धातु के लिए बढ़ा है
तो नीचे अर्धचालक लिए घटेरा, यहां घटेरा तो वहां बढ़ेगा, ठीक है। तो इसको याद कर लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। चलो इसके बाद आगे देखिए, ये हेडिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे बोला जाता है अतिचालकता। अतिचालकता मतलब होता है सुपर कंडक्टिविटी। सर ये क्या है सुपर कंडक्टिविटी, थोड़ा एक्सप्लेन करो, मैं बताता हूं अभी। देखो अभी अभी आपने धातुओं के लिए एक बात समझी, धातुओं के लिए अभी अभी आपने एक बात देखी कि यदि सर धातु के लिए टेम्परेचर को हम लोग बढ़ाते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, तो बताइए उसका जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाता है। और रेजिस्टेंस के साथ आपने एक और चीज समझी कि जो सिग्मा है यानी चालकता है सर वो घट जाती है। टेम्परेचर को बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है लेकिन चालकता घट जाती, मैंने अभी अभी बताया। तो मैं इसका उल्टा करता हूं, उल्टा मतलब ये है कि मैं टेम्परेचर घटाता हूं तो टेम्परेचर घटाऊंगा तो बताओ रेजिस्टेंस घटेगा लेकिन चालकता तुम्हारी बढ़ जाएगी। उल्टा कर दिया मैंने, तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हम लोग टेम्परेचर को इतना ज्यादा घटाएंगे, इतना ज्यादा घटाएंगे, इतना ज्यादा घटाएंगे, इतना ज्यादा घटाएंगे कि रेजिस्टेंस घटके हो जाए जीरो और चालकता यानी सिग्मा घट बढ़ के इनफाइनाइट हो जाए, चालकता इनफाइनाइट हो जाए। तो ध्यान रखना जब भी तभी चालकता तुम्हारी इनफाइनाइट हो जाती है, इनफाइनाइट हो जाती है, बस इसी कंडीशन को बोला जाता है सुपर कंडक्टिविटी। सुपर कंडक्टिविटी हिंदी में इसको इंग्लिश में सुपर कंडक्टिविटी कहते हैं और इंग्लिश में बोला जाता है, हिंदी बोला जाता है अतिचालकता, ठीक है। तो आपसे कोई पूछे कि अतिचालकता बताओ कब मिलती है, तो आप कहना टेम्परेचर को घटाने से, टेम्परेचर को घटाने से। जब भी कभी आप टेम्परेचर घटाओगे सिग्मा बढ़ेगा, घटा घटा के टेम्परेचर इतना ज्यादा घटा दो कि सिग्मा इनफाइनाइट हो जाए, सिग्मा इनफाइनाइट हो गया उसी कंडीशन को सुपर कंडक्टिविटी कहते हैं। अब सवाल ये है कि सर तुमने कहा था टेम्परेचर को घटाना है तो घटा घटा के कितना लेके आना है, तो कह देना टेम्परेचर पूरा का पूरा जीरो केल्विन ले आओ। जिस समय टेम्परेचर जीरो केल्विन आ जाएगा तो ध्यान रखना उसी समय सुपर कंडक्टिविटी मिलती है। अब इसमें प्रश्न सुन लो क्या क्या आते, प्रश्न आएगा कि बताओ सुपर कंडक्टिविटी टेम्परेचर को बढ़ाने से मिलती है कि घटाने से मिलती है। आप कहना घटाने से मिलती है। किस टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टिविटी मिलती है, तो आप कहना जीरो केल्विन पे मिलती है। सुपर कंडक्टिविटी में आपकी सिग्मा यानी कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, इनफाइनाइट हो जाती है। रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ऐसे चार पांच प्रश्न बनते हैं अतिचालकता से, ठीक है। चलो आगे देखिएगा इसके बाद। हाँ अब ये हेडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई साहब, इसी हेडिंग में मुझे इंतजार था है। ये देखो हेडिंग क्या है सर, ये हेडिंग है तुम्हारी सीरीज कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध का सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन का मतलब ये होता है कि जब दो रेजिस्टेंस डायरेक्ट जुड़े हो, डायरेक्ट मतलब ये तुम्हारा पहला रेजिस्टेंस है R1, ये डायरेक्ट ही R2 के साथ जुड़ा हो और R2 डायरेक्ट ही R3 के साथ जुड़ा हो। जब दो या दो से अधिक रेजिस्टेंस डायरेक्ट जुड़े होते हैं सर, उस कनेक्शन को सीरीज कनेक्शन कहते हैं। और एक बात और ध्यान रखना, सीरीज कनेक्शन में जो बहने वाली धारा होती है, हर रेजिस्टेंस में बहने वाली धारा आई वो सेम होती है। देखो इसमें जो धारा बहेगी सर, वही धारा इसमें भी जाएगी, सर वही धारा इसमें भी जाएगी। तो धारा आई रेजिस्टेंस में सेम होगी सीरीज में, लेकिन वोल्टेज अलग अलग होगा। सर यहां का पहले वाले रेजिस्टेंस का जो वोल्टेज होगा वो V1 अलग होगा, दूसरे वाले रेजिस्टेंस का जो वोल्टेज होगा V2 सर वो अलग होगा, और तीसरे वाले रेजिस्टेंस का जो वोल्टेज होगा V3 सर वो अलग होगा, ठीक है। बोल क्लियर है ना इतना। लेकिन अभी मुझे तो ये समझना है कि सर वोल्टेज क्या होता है। सर वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होता है, जुड़ जाता है। तो देखो यहां का वोल्टेज V1, यहां का V2, यहां का V3। तो मेरे भाई अगर मैं सारा नेट वोल्टेज निकालना चाहूं तो V1 प्लस V2 प्लस V3 करना पड़ेगा, और बराबर यही तुम्हारा नेट वोल्टेज के बराबर हो रहा। तो मैंने यहां पर कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ नेट वोल्टेज का कॉन्सेप्ट लगाया। और नेट वोल्टेज का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि उठाते सारे के सारे वोल्टेज को उठाते जोड़ दो। देखो रेजिस्टेंस नहीं जोड़ी जा सकती, धारा नहीं जोड़ा जा सकता क्योंकि धारा सब में सेम है, लेकिन अलग अलग है V1 V2 V3 V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर टोटल में, ये नेट वोल्टेज है, ठीक है। अब याद करो मैंने अभी अभी आपको फॉर्मूला बताया था कि V बराबर I इंटू R होता है। तो V बराबर जैसे तो I इंटू R यहां रखोगे, I इंटू आर यहां रखोगे, तो I तो भैया सब में बराबर है, तो I तो कैंसिल, तो यहां कंफर्म आ जाएगा तुम्हारा R मतलब नेट R, और यहां से जब I कॉमन होकर कैंसिल आउट हो चुका होगा तो यहां R1 आएगा, यहां R2 आएगा, यहां पर R3 आएगा, जिसकी वजह से सीरीज कनेक्शन के लिए जो नेट वोल्टेज होता है
सीरीज कनेक्शन के लिए जो नेट वोल्टेज होता है, नेट वोल्टेज वो R1 प्लस R2 प्लस R3, याद कर लो भैया, पहले आप इसको याद कर लो। तो सीरीज कनेक्शन के लिए आने वाला नेट वोल्टेज सीधे सीधे जुड़ते हैं, सीधे सीधे का मतलब ये हुआ R1 प्लस R2 प्लस R3 बराबर नेट वोल्टेज। बोलो क्लियर है ना सर? ये R1 प्लस R2 बराबर R3 नेट वोल्टेज सीरीज कनेक्शन में, सीरीज कनेक्शन के एग्जांपल क्या होते हैं, ये तुम्हारे एग्जाम में और पूछे जाते हैं एग्जांपल, ठीक है? तो इस बात को हमेशा याद रखना, सीरीज कनेक्शन का अगर तुम्हें एग्जांपल याद करने हैं तो आप ऐसे याद करो, वो सारा का सारा कनेक्शन जिसमें धारा एक साथ जा रही हो, या फिर एक ही स्विच से सारे के सारे बल्ब एक साथ ऑन हो जाए। सर इसका कोई एग्जांपल है? झालर, अब देखती है अभी अभी आने वाली है बहुत जल्दी, वो क्या बोलते हैं उसको, दशहरा दीपावली, तो दशहरा दीपावली में देखिए झालरें लगाई जाती है, छोटे छोटे बल्ब की, बल्ब में आप झालर ऐसे फिट कर दो और एक बार स्विच ऑन करो तो सारी झालरें एक साथ जलती है और सारी झालरें एक साथ बंद भी होती है। हाँ सर, यानी एक साथ धारा बह रही है तभी तो सारी झालरें एक साथ झल रही है। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि जब चार पांच कनेक्शन के लिए एक ही स्विच हो, स्विच कॉमन हो, समझ जाना कि वो सीरीज कनेक्शन है, ठीक है? रोड लाइट, देखिए रोड लाइट में क्या होता है कि जितनी भी रोड लाइट होती है, मान लीजिए 10-15 रोड लाइट है, तो दिन में एक ही स्विच से सारी रोड लाइट बंद हो जाती है और जैसे ही शाम के 6 बजता है वैसे ही एक ही स्विच से सारी की सारी रोड लाइट अचानक खुल जाती है, तो रोड लाइट हो गया। अरे तो जब भी कभी एक ही स्विच से खुलना बंद होना हो, हरा, तो समझ जाना कि सर वो तुम्हारा सीरीज कनेक्शन है, जैसे कि झालर, झालर में लगे बल्ब, जैसे कि रोड लाइट, रोड लाइट, ठीक है? लेकिन आपके घरों में जो टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी, पंखा लगा होता है वो सीरीज नहीं होता है। आप सोचो कि अगर वो सीरीज होता ना, कि एसी भी चल रही है उसी बटन से, उसी बटन से तुम्हारा जो है टीवी भी चल रही है, तो टीवी तो बंद करोगे, स्विच दबाते तो एसी बंद हो जाएगी, तो रात में सो गए से, है कि नहीं? तो वो सर अलग अलग स्विच होते हैं, तो जब एक ही स्विच हो सीरीज, अलग अलग स्विच हो समानता, बस इतना सा छोटा सा लॉजिक है, इसके अलावा कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है? चलो तो ये हमारा सीरीज कनेक्शन हो गया। उसके बाद अगली स्लाइड देखिए सर, ये है तुम्हारा पैरेलल कनेक्शन, समांतर। समांतर कनेक्शन का मतलब ये होता है कि जब हमारे पास जोड़े गए रेजिस्टेंस जो है ना, जोड़े गए रेजिस्टेंस डायरेक्ट ना जुड़े हो, डायरेक्ट ना जुड़ते इनडायरेक्ट जुड़े हो, मतलब देखो अगर मैंने इस पॉइंट को ए कह दिया, इस पॉइंट को बी कह दिया, उसके बाद याला पॉइंट मैंने सी कह दिया, याला पॉइंट मैंने डी कह दिया, उसके बाद याला पॉइंट मैंने ई कह दिया, याला पॉइंट एफ कह दिया, ये देखो डायरेक्ट नहीं जुड़े, इनडायरेक्ट जुड़े हैं है? तो ये कहलाता तुम्हारा समांतर क्रम। समांतर क्रम में क्या होता है कि जो भी तुम्हारी धारा आती है, जैसे मान लीजिए ये धारा आई आ रही है इस तरह से आई, तो आई आएगी तो ये तीनों रेजिस्टेंस में बटेगी। तो मैं एक काम करता हूं, पहले तीनों रेजिस्टेंस का नाम दे लेता हूं, याला रेजिस्टेंस मैंने R1 कह दिया, याला रेजिस्टेंस मैंने R2 कह दिया, याला रेजिस्टेंस मैंने R3 कह दिया। देखो कह दिया, तो अगर याला रेजिस्टेंस R1 R2 R3 कह दिया, तो बताइए ये जो बहने वाली धारा है अब बटेगी ना, तो यहां पर जाने वाली धारा I1 होगी, यहां पर जाने वाली धारा I2 होगी, और यहां पर जाने वाली धारा I3 होगी। देख लो, बात समझे ना? लेकिन सर धारा बट रही है तो वोल्टेज का क्या? तो कहना समांतर क्रम में वोल्टेज समान होता है, समांतर क्रम में वोल्टेज कैसा रहता है? समान होता है। तो आप ऐसा कह सकते हो हर एक रेजिस्टेंस के पास जो वोल्टेज होगा सर वो सेम वोल्टेज होगा। कैसा वोल्टेज होगा? सेम, ठीक है? लेकिन सर इसमें धारा बट रही है, तो कोई बात नहीं, धारा तो बांटो। तो धारा बट रही है तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि जो नेट धारा आई होगी वो I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर होगी। देख लो, जो नेट धारा I होगी वो I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर होगी। यस, अब ये बताओ I बराबर फॉर्मूला क्या होता है? सर I बराबर फॉर्मूला होता है V बटे R। मैं वो याद रख लो भाई, भाई चले नहीं काम, I बराबर V बटे R होता है। तो V सबके लिए सेम है, तो V बटे R, V बटे R, V बटे R, V बटे R, तो V तो कॉमन होते 10 से, तो जल्दी बताइए यहां कितना आ जाएगा? 1/R जो कि नेट है, यहां पर 1/R1, यहां पर 1/R2, और देखो भैया यहां पर हो जाएगा 1/R3। तो अगर मैं बोलूं कि समांतर क्रम में बताओ नेट रेजिस्टेंस क्या होता है, तो समांतर क्रम का नेट रेजिस्टेंस होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, उल्टा करके जोड़ा जाता है। तो सीधा जोड़ना सीरीज,
उल्टा करके जोड़ना समांतर, काम खत्म। बोलो इतनी बात सबको क्लियर है, सबको समझ में आ गया ना? ठीक है, अब यहां पर सवाल उठता है सर समांतर क्रम का एग्जाम्पल क्या है, क्या एग्जाम्पल है समांतर क्रम का? तो मैंने बताया कि समांतर क्रम का एग्जाम्पल का मतलब होता है कि जब हर एक डिवाइस के लिए अलग अलग स्विच हो, हरा तो कह देना कि घरों में जो लगी हुई लाइट होती है, घरों में लगी हुई लाइट वो हमारा समांतर क्रम होती है। टीवी का बल्ब अलग स्विच से खुलेगा, ड्राइंग रूम का बल्ब अलग स्विच से खुलेगा, हाँ वो अलग बात है, कोई जुगाड़ करता है कि एक ही स्विच से सब कर दिया तो वो एक अलग बात है, वो अपवाद है ना। तो घरों में लगी हुई लाइट अगर कोई पूछे कि बताइए किसका एग्जाम्पल होती है, तो आप कहना कि सर वो समांतर क्रम का एग्जाम्पल होती है। बोलो इतनी बात सबको क्लियर है ना? अब यहां पर एक छोटा सा पॉइंट भैया और पूछा जाता है, देखो टोटल धारा मान लो 10 एम्पियर है, टोटल धारा 10 एम्पियर है, तुम्हें I1, I2 का, I3 का अलग अलग मान निकालना आना चाहिए। तो एक बात बताइए इन तीनों में वोल्टेज समान है, तो I बराबर फॉर्मूला होता है V बटे R, तो V तो छोड़ो क्योंकि सेम है, तो I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/R हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी तुम्हारा I1, I2 का बटने का अनुपात आएगा, I1 अनुपाते I2 अनुपाते I3 सर, वो R का उल्टे में आएगा, मतलब वो आएगा एक्चुअली में 1/R1 अनुपाते 1/R2 अनुपाते 1/R3। अब इसमें थोड़ी सी आपको गणित लगानी पड़ेगी और I1 I2 का अनुपात कुछ इस तरह से निकालना पड़ेगा और 10 एम्पियर को उसी अनुपात में बांट देना है, काम खत्म। तो अलग अलग धारा निकाल लियो, तो हम लोग रियले फॉर्मूले को इस्तेमाल करके अलग अलग धारा भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ये हमारा रेजिस्टेंस का सीरीज कनेक्शन पैरेलल कनेक्शन हो गया। अब यहीं पर ही एक और चीज आ जाती है, पावर इन सीरीज और पावर इन पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, इसलिए कोई डायग्राम नहीं, बस एक छोटी सी मेरी बात, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझो। जैसे कि मान लीजिए मैंने कहा मेरे पास ये कोई बल्ब है, ये कोई बल्ब है, हमेशा ध्यान रखना इंडिया में चाहे कोई भी कंट्री ले लो, जितनी भी बल्ब की डिजाइन होती है, जितनी भी बल्ब की डिजाइन होती है, अरे बल्ब छोड़ो और भी जो कुछ भी डिजाइन होता है, वो हमेशा सेम वोल्टेज के लिए डिजाइन होता है, इस बात को याद रखिएगा, सेम वोल्टेज के लिए। जैसे मैंने कहा कि आज घर से आप मार्केट से 100 वाट का बल्ब लेके आए, 100 वाट का बल्ब लेके आए, 80 वाट का बल्ब लेके आए, 15 वाट का बल्ब लेके आए, वाट सबके अलग अलग है, लेकिन सबका जो वोल्टेज होगा ना वो सेम होगा। क्योंकि आपके घरों में जो सप्लाई आती है, मैं आपको बता दूं आपके घरों में जो सप्लाई आती है वो कितने वोल्टेज की आती है पता है? आपके घरों में सप्लाई आती है 220 वोल्ट की आती है और 50 हर्ट्ज की आती है, इस बात को याद रखिएगा। आपके घरों में जो सप्लाई आती है वो भी एसी सप्लाई आती है, ये भी ध्यान रखना, एसी सप्लाई है ना, डीसी नहीं आती। तो आपके घरों में जो सप्लाई आती है 220 वोल्ट की आती है, 50 हर्ट्ज की आती है, एसी सप्लाई आती है। तो किसी भी बल्ब की डिजाइन सेम वोल्टेज पे होती है, इस बात को याद रखिएगा, सेम वोल्टेज की। ठीक है, अब यहां पर मैं एक चीज और आपको बताता हूं, मैं आपको बताता हूं पहले पावर। ठीक है, पावर का मैं फॉर्मूला बताता हूं, अभी मुझे थोड़ी देर बाद बताना भी है। पावर का एक फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर बटे आर, क्योंकि सर वी स्क्वायर बटे आर ही क्यों लगाया, क्योंकि मैं आर के साथ इसका संबंध देखना चाहता हूं पावर का, और वी इसलिए मैंने अप्लाई किया कि यहां पर मुझे वोल्टेज को सेम बनाना है, क्योंकि कोई भी बल्ब डिजाइन होता है तो सेम वोल्टेज के लिए डिजाइन होता है। कहो कि मास्टर तुम ये बताओ पहले, तुमने वी इंटू आई क्यों नहीं लगाया? मैं कहूंगा क्यों लगाऊं, क्यों लगाऊं, क्योंकि मुझे रेजिस्टेंस के साथ इसकी तुलना करानी है, तो रेजिस्टेंस आया नहीं। तो तुम कहोगे कि सर ठीक है मास्टर, तुमने ये क्यों नहीं लगाया, आई स्क्वायर इंटू आर क्यों नहीं लगाया? कहूंगा मुझे वोल्टेज सेम करना है, धारा थोड़ी ना सेम करनी है, तो ये क्यों लगाऊंगा, तो लगाऊंगा मैं वही वाला फॉर्मूला जिसमें मेरा वोल्टेज भी आ जाए और रेजिस्टेंस भी आ जाए। ठीक है सर, बल्ब की जो डिजाइन होती है वो वोल्टेज को कांस्टेंट रखती होती है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि बल्ब की जो पावर होगी वो रेजिस्टेंस के उल्टे में होगी, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि पावर जो होती है वो रेजिस्टेंस के उल्टे में होती है। इसका मतलब साफ साफ ये है कि मार्केट से अगर आप 100 वाट और 80 वाट के दो बल्ब लेके आते हो, 100 वाट और 80 वाट के दो बल्ब लेके आते हो, तो 80 वाट वाला बल्ब जिसकी पावर कम है उसी का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, उल्टा है देख लो, और 100 वाट वाला बल्ब जिसकी पावर ज्यादा है सर उसका रेजिस्टेंस कम होगा। तो इस बात को ध्यान रखना जब भी कभी आपके सामने बल्ब वाले सवाल आएंगे, बल्ब वाले, कि मैं मार्केट से 60 वाट का बल्ब लेके आया, 80 वाट का भी लाया, तो बताओ किसका रेजिस्टेंस ज्यादा, तो उल्टा है।
ठीक है सर, बस ये उल्टे से हो गया हमारा काम, हो गया हमारा काम। कैसे उल्टे से काम हो गया, देखो इधर बड़े ध्यान से, ट्रेक्शन कौन सा है, सीरीज, सीरीज कनेक्शन में जल्दी से बताइए आर के बीच क्या संबंध आया था, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री आया था ना, तो पावर को उल्टा करना पड़ेगा, इसका मतलब पावर के बीच संबंध आ जाएगा वन अपॉन पी बराबर वन अपॉन पी वन प्लस वन अपॉन पी टू प्लस वन अपॉन पी थ्री। तो आप ऐसा कह सकते हो कि जो पावर होती है वो रेजिस्टेंस के उल्टे में हुई, इसी वजह से रेजिस्टेंस का संबंध सीरीज में ये है, तो सीरीज में ही रेजिस्टेंस का संबंध उल्टा हो जाएगा। देखो मैंने उल्टा कर दिया, बोलो क्लियर है ना। तो अगर आपके सामने ये सवाल कभी आ जाए कि 60 वाट और 80 वाट के दो बल्ब है सीरीज में जुड़े हैं, कैसे जुड़े, सीरीज में, तो बताओ नेट पावर कितनी होनी चाहिए। तो सीधा सीधा समझना, सीरीज में जुड़े हैं और 60 वाट और 80 वाट के दो बल्ब है, तो यही वाला फॉर्मूला लगा देना, 1/60 प्लस 1/80 बराबर 1/P, पी बता देना, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगली स्लाइड क्या है, पैरेलल ट्रैक्शन में, अब ये कोई बड़ी बात रही है, पैरेलल हो चाहे समांतर हो कैसा भी ट्रैक। अच्छा कुछ बच्चे हो सकता है इस बात से कंफ्यूज हो, सर सीरीज कनेक्शन में वोल्टेज तो सेम होता ही नहीं है, उससे मुझे मतलब ही नहीं है, उससे मुझे मतलब ही नहीं है, क्योंकि बल्ब की डिजाइन वैसे ही सेम वोल्टेज ली ही जाती है, बल्ब की डिजाइन यानी जितने बल्ब लगाओ उसमें ऑटोमेटिक वोल्टेज सेम है, ठीक है ना। देखो सीरीज कनेक्शन में V1 V2 V3 बराबर नेट V होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि V बराबर नहीं हो सकते, हो सकते हैं, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है, तो कंफ्यूज ना होना। आगे देखिए पैरेलल ट्रैक्शन में, पावर इन पैरेलल ट्रैक्शन यानी समांतर क्रम में बताइए पावर क्या है, समांतर क्रम में बताइए पावर क्या है। तो अभी अभी आपने ये बात जान ली कि जो पावर होती है वो रेजिस्टेंस के उल्टे में होती है, अभी अभी आपने ये बात जानी है कि पावर जो है रेजिस्टेंस के उल्टे में होती है, ये बात आपने जान ली। अब जल्दी बताओ जब भी कभी बात समांतर क्रम की करना, समांतर क्रम की, पैरेलल की, समांतर क्रम की, तो समांतर क्रम में रेजिस्टेंस 1/R बराबर आया है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अरे रेजिस्टेंस का ये फॉर्मूला आया है समांतर क्रम में, तो पावर का क्या हो जाएगा, उल्टा कर दो, उल्टा कर देने का मतलब पावर का फॉर्मूला हो जाएगा P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3। बोलो ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों के माइंड में ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ रहा होगा, रेजिस्टेंस का उल्टा करना है, आराम से निकला है डाटे। चलिए कुछ और चीजें देखते हैं, ये देखिए ये बढ़िया इंपॉर्टेंट है, पावर लॉस इन रेजिस्टेंस, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पावर लॉस इन रेजिस्टेंस, बताओ रेजिस्टेंस में कितनी पावर लॉस होती है, ठीक है। तो जब भी कभी बात रेजिस्टेंस के पावर लॉस की करना, तो आप लोगों को तीन फॉर्मूले याद करने हैं पावर के। पहला फॉर्मूला याद करना है P बराबर V इंटू I होता है, दूसरा फॉर्मूला याद करना है, अब देखो I बराबर होता है, I बराबर होता है V बटे R, तो V बटे R रखोगे तो बताओ पावर का दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा V स्क्वायर बटे R, ये पावर का दूसरा फॉर्मूला होता है। अब पावर का अगर तीसरा फॉर्मूला पूछे क्या हो जाता है, तो I स्क्वायर इंटू R। हालांकि ये तीनों फॉर्मूले जो है, ये तीनों फॉर्मूले जो है V बटे I बराबर R को इधर उधर करके निकलाएंगे, लेकिन ध्यान रखना ये सब पावर है, पावर लॉस है। पावर लॉस का मतलब ये हुआ कि इन सभी के जो मात्रक होंगे, इन सभी के जो मात्रक होंगे वो वाट में होंगे, वाट वाट, ठीक है। लेकिन कई बार तुमसे यहां पर एक और सवाल पूछा जाता है, हीट के बारे में पूछा जाता है कि बताइए हीट कितनी डेवलप होगा, हीट, ठीक है। देखो मैं आपको बता दूं, जब भी कभी किसी रेजिस्टेंस में धारा बहती है, तो धारा बहते समय पावर का लॉस तो होता ही होता है, साथ साथ कुछ गर्म भी होता है, हीट का लॉस भी होता है। तो जब भी कभी तुम्हें हीट का लॉस निकालना हुआ करे, तो कुछ नहीं करना भैया मेरे, बस इन दोनों में समय का मल्टीप्लाई कर देना है। तो पहली हीट का फॉर्मूला आ जाएगा एच बराबर जो है वी इंटू आई इंटू टी। उसके बाद बताइए दूसरी, अगर हीट का फॉर्मूला पूछा जाए कि बताओ दूसरी हीट का फॉर्मूला क्या होना चाहिए एच बराबर, कुछ नहीं करना सर, इसमें भी समय टी का मल्टीप्लाई कर देना है। और तीसरे वाला फॉर्मूले में भी अगर हीट पूछी जा रही है, तो आई स्क्वायर इंटू आर के साथ इंटू टी का मल्टीप्लाई कर देना। तो बस पूछ रही है आप इन सभी में अगर समय टी का मल्टीप्लाई कर देते हो, तो यही फॉर्मूला जो है हीट का बन जाएगा, ठीक है। तो अगर तुमसे पावर के फॉर्मूले पूछे जाए तो आपको यह बताना है, अगर तुमसे हीट के फॉर्मूले पूछे जाए तो आपको यह बताना। बोलो बात सबको क्लियर है ना, समझ में आ गया, ठीक है। अब यहां पर एक छोटी सी बात और है पावर के बारे में, उसको भी समझ लेते हैं। देखो आप लोग जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो नंबर ऑफ यूनिट निकालना आएगा, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा, जब भी कभी तुमसे सवाल में नंबर ऑफ यूनिट पूछा जाए, नंबर ऑफ यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट का पहले मतलब बताओ क्या होता है। नंबर ऑफ यूनिट का मतलब होता है कि आपके घरों में जो बिजली का बिल आता है वो यूनिट के हिसाब से आता है।
एक महीने में तुमने 150 यूनिट बिजली खर्च की, भैया इतना बिल आया, नंबर ऑफ यूनिट, तो नंबर ऑफ यूनिट क्या होता है, वो एक्चुअली में किलोवाट आवर होता है। नंबर ऑफ यूनिट क्या होता है, तो कह देना किलोवाट और आवर होता है, ये होता है नंबर ऑफ यूनिट। लेकिन सर अगर मुझे नंबर ऑफ यूनिट निकालना है तो क्या मुझे निकालना पड़ेगा, तो कहना नंबर ऑफ यूनिट निकालना है तो तुम्हें कुछ नहीं किलोवाट आवर निकालो। किलोवाट आवर कैसे निकलेगा, कुछ नहीं करना आपको, वी के साथ आई का मल्टीप्लाई करोगे, तो देखो वी के साथ आई का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, वाट बन जाएगा। इंटू कह सकते हो टी का मल्टीप्लाई करोगे यानी समय का मल्टीप्लाई करोगे तो वाट इंटू आवर बन जाएगा। लेकिन समय घंटे में होना चाहिए, घंटे में, ये ध्यान रखना। और बटे 1000 कर दोगे, बटे 1000 कर दोगे तो ध्यान रखिएगा ये तुम्हारा नंबर ऑफ यूनिट बन जाएगा। तो तुमसे तो पूछे थे नंबर ऑफ यूनिट निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, तो कहना यही वाला फॉर्मूला लगा दो। कौन वाला फॉर्मूला, V इंटू आई इंटू टी बटे 1000, V इंटू आई इंटू टी बटे 1000 लगा दो, नंबर ऑफ यूनिट पता चल जाएगा। बोलो इस ये सवाल बहुत पूछे जाते भैया, मतलब आप ये समझो कि ये सवाल डेफिनेटली आते इस तरह के क्वेश्चन, इस बात को याद रखिए ना, ठीक है। चलिए अगली स्लाइड देखते हैं हम लोग क्या। अब अगली स्लाइड में देखो मेरे पास कैपेसिटर के बारे में आ रहे हैं। अभी हम लोग कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे, ऐसा नहीं है, कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। लेकिन अगली स्लाइड मेरे कैपेसिटर है जिसको हम लोग धारिता बोलते हैं, है ना। तो धारिता क्या होती है पहले इस बात को समझो, धारिता का मतलब क्या है, पहले मैं आपको बता दूं। कैपेसिटर को रिप्रेजेंट कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। कैपेसिटर में मेरे पास दो प्लेटें होती हैं, दो प्लेटें होती हैं, इस बात को याद रखिएगा। कैपेसिटर मेरे पास दो प्लेटें होती हैं, एट ये, ठीक है। तो आपको होता क्या है कि कैपेसिटर उस डिवाइस को बोलते हैं जो आवेश धारण करता है, ठीक है। तो इन्होंने डेफिनेशन भी देखो ये लिखी, आवेश धारण करने की क्षमता को, द एबिलिटी होल्ड चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटेंस, मतलब आवेश धारण करने की क्षमता को कैपेसिटर कहते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा कि ये एक ऐसा कैपेसिटर है जिसकी धारिता सी है। अब धारिता सी बोलो या फिर आप इसको इंग्लिश बोला सकते हैं कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस का मतलब होता है धारिता। तो मैंने कैपेसिटेंस कितनी मान रखी है, सी मान रखी है। तो किसी भी आवेश के या किसी भी कैपेसिटर के आवेश धारण करने की क्षमता को ही कैपेसिटेंस कहते हैं, ठीक है। बोलो क्लियर है ना, धारिता धारण करेगा, करने की क्षमता धारिता कहलाती है और कैपेसिटेंस धारण करेगा, ठीक है। चलो आगे देखिए, तो कैपेसिटर की धारिता का फॉर्मूला हो जाता है सी बराबर क्यू बटे वी, सी बराबर क्यू बटे वी। तो आप याद कर लेना किसी कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होती है यानी धारिता होती है, उस धारिता को निकालने का फॉर्मूला होता है सी बराबर क्यू बटे वी। सर क्यू बटे वी मात्रक बताओ, तो क्यू का मात्रक होता है भैया कूलाम, सी बराबर क्यू बटे वी है तो कूलाम, और नीचे हो जाएगा वोल्ट। अब कूलाम प्रति वोल्ट बोलो या फिर आप इसको फैराड के नाम से भी जान सकते हो, या फिर आप इसको फैराड के नाम से भी जान सकते हो। अरे तो सी का जो मात्रक होता है, पहले देखो सी का फॉर्मूला क्यू बटे वी हुआ, अगर सी का फॉर्मूला क्यू बटे वी हुआ तो कूलाम प्रति वोल्ट हो गया या फिर मात्रक हमारा फैराड हो गया, दोनों में से कुछ भी बोलो इसका, ठीक है। तो आप इसको याद कर लेना और उल्टा सीधा भी याद कर लेना, अगर यहां से मतलब क्यू पूछा जाए कि क्यू कितना होगा तो क्यू बराबर सी इंटू वी भी याद होना चाहिए आपको, क्यू बराबर सी वी। वी पूछा जाए कि वी कितना होगा तो वी बराबर क्यू बटे सी भी याद होना चाहिए। ये सारे के सारे फॉर्मूले जो है उल्टा सीधा करके आपको भैया याद होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे देखिए अगली स्लाइड क्या। हाँ, अब एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, मतलब कैपेसिटर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर्ड होती है। तो अभी आपको बताया कि कैपेसिटर के अंदर चार्ज स्टोर होता है, लेकिन ध्यान रखना अगर चार्ज स्टोर है तो एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी स्टोर होगी। तो अगर कोई पूछे कि बताइए कैपेसिटर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होती है, कैसे निकाला जाएगा, तो कैपेसिटर के अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी होती है, स्टोर्ड एनर्जी हरा, तो स्टोर्ड एनर्जी यू का फॉर्मूला होता है हाफ सी वी स्क्वायर, ठीक है। तो आप सी वी स्क्वायर लगाओ और सी वी स्क्वायर लगाने के बाद आप स्टोर्ड एनर्जी निकाल सकते हो। बोलो क्लियर है। हालांकि ये फॉर्मूला अलग अलग तरीके से और भी पूछा जा सकता है, कैसे मैं आपको बताता हूं। अभी आपने सी बराबर क्यू बटे वी पढ़ा, तो सी बराबर आप क्यू बटे वी यहां रख दो। तो देखो भैया जैसे ही आप सी बराबर क्यू बटे वी यहां रखोगे तो एट वी से वी कैंसिल, देखो सी बराबर क्यू एट वी से वी कैंसिल, तो हाफ जो है क्यू इंटू वी भी आ जाएगा फॉर्मूला, हाफ क्यू इंटू वी भी आ जाएगा, ठीक है। अगर आप वी का मान उठा के वहां से रखोगे तो भी फॉर्मूला निकल आएगा क्यू स्क्वायर बटे
टू सी निकल आएगा हाफ। अरे देखो अब वी बराबर क्यू बटे सी रख रहे हैं तो क्यू स्क्वायर ऊपर सी स्क्वायर नीचे, लेकिन एट सी कैंसिल हो जाएगा। तो ये तीनों के तीनों फॉर्मूले ध्यान रखना, कैपेसिटर के अंदर स्टोर्ड एनर्जी का फॉर्मूला होता है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो ये है, यू बराबर हाफ सी वी स्क्वायर। ठीक है, याद रखिएगा यू बराबर हाफ सी वी स्क्वायर, दो तीन बार बोलो याद हो जाएगा। और इसका मात्रा फिर से वही है क्योंकि एनर्जी है, और एनर्जी का जो मात्रा होता है भाई साहब वो जूल होता है, इस बात को याद रखिएगा, एनर्जी का मात्रा जूल होता है। बोलो क्लियर है ना। तो कैपेसिटर के बारे में हो गया, कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करता है, आवेश धारण करता है, आवेश धारण करने की क्षमता को कैपेसिटेंस कहते हैं, या एनर्जी धारण करता है, एनर्जी कितनी धारण करता है वो मैंने बताई आपको, है ना। चलो आगे देखिए, ये फॉर्मूला याद रखिए डायरेक्ट, आगे देखिए उसके बाद अगला क्या, सीरीज कनेक्शन। अब यहां पर जैसे आपने समांतर उसका क्या बोलती है रेजिस्टेंस का सीरीज और पैरेलल देखा, उसी तरह से इसका भी सीरीज और पैरेलल देखा। देखे भाई साहब इन्होंने क्या किया, डायग्राम को थोड़ा सा उल्टा बना दिया यार, है उल्टा बनाने का मतलब ये है कि सीरीज कनेक्शन में उल्टा डायग्राम बना दिया और पैरेलल कनेक्शन में उल्टा डायग्राम बना दिया। तो कोई बात नहीं, हम लोग एक काम करते हैं, इसको बदल देते हैं, इसको बदल देते हैं, मतलब आप इसको सीरीज ना लिखकर आप इसको यहां पर लिख दीजिए पैरेलल, आप इसको क्या कर दीजिए पैरेलल, सर ये पैरेलल कनेक्शन, ठीक है आप इसको पैरेलल पैरेलल के लिए डायग्राम, ठीक है। अब पैरेलल के लिए है तो आप बताइए पहले पैरेलल में क्या करोगे, तो कहना सर ये समांतर क्रम है सी वन, अगर एक्स्ट्रा कैपेसिटेंस हो गया एक्स्ट्रा कैपेसिटेंस सी टू और एक्स्ट्रा कैपेसिटेंस सी थ्री, तो आप सबको पता है कि कैपेसिटर जब भी तभी पैरेलल कनेक्शन लेगा, क्योंकि पहले हम लोग पैरेलल कनेक्शन को सॉल्व करा रहे, मैंने सही कर दिया पैरेलल कनेक्शन। तो पैरेलल कनेक्शन में बताइए जो वोल्टेज होता है वो सेम होता है, ले रहे आवेश देखो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा, यहां पर आवेश डिस्ट्रीब्यूट होने का मतलब ये है कि यहां से अगर मेरे पास चार्ज यहां से जा रहा होगा क्यू, तो यहां पर चार्ज जाएगा क्यू वन, अब यहां आवेश क्यू क्यू टू और यहां पर चार्ज जाएगा क्यू थ्री। भाई रेजिस्टेंस में धारा जाती है और कैपेसिटर में धारा रखना आवेश जाता है चार्ज होने के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब पता है क्या है सर, इसका मतलब ये है कि क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस क्यू थ्री, सर ये जो है ना ये टोटल क्यू के बराबर हो जाएगा, नेट क्यू के बराबर हो जाएगा, हो जाएगा। अब जरा थोड़ा फॉर्मूले पे डॉल्ट कीजिए, मैंने अभी अभी आपको फॉर्मूला क्या बताया सर, फॉर्मूला बताया था सी बराबर क्यू बटे वी बताया था, तो जल्दी बताइए क्यू बराबर कितना हो जाएगा सर, क्यू बराबर हो जाएगा सी वी, क्यू बराबर कितना हो जाएगा सी वी, क्यू बराबर सी वी, अगर क्यू बराबर सी वी है तो क्यू वन बराबर सी वी, क्यू टू बराबर सी वी, ले v सर सबका सेम है, अगर v सबका सेम है तो v कैंसिल, तो यहां पर नेट c हो जाएगा, तो यहां पर c1 प्लस c2 प्लस c3, थोड़ा सा उल्टा है, थोड़ा सा उल्टा है। अगर याद करो तो रेजिस्टेंस का जो सीरीज कनेक्शन आया था उसमें r1 प्लस r2 प्लस r3 आया था, लेकिन देखो इसमें यहां पर कैपेसिटर का जो पैरेलल कनेक्शन आया है पैरेलल कनेक्शन, तो वहां पर सर C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, उल्टा है थोड़ा सा, ठीक है बोलो क्लियर है ना। और पैरेलल क्रम में वही वोल्टेज सेम होता है, फिर वही बात है कि सर पैरेलल क्रम में क्या चीज सेम होती है, तो आपको बताना है कि पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज जो होगा सर वो सेम होगा, ठीक। चलो इसके बाद अगली स्लाइड देखिए क्या सर, अगली स्लाइड मेरे पास अब ये पैरेलल है तो इसको हम लोग सीरीज बना देते हैं, इसको हम लोग क्या बना देते हैं सीरीज बना देते हैं, सर ये तुम्हारा सीरीज कनेक्शन है, कैपेसिटर का सीरीज कनेक्शन है, तो कैपेसिटर का सीरीज कनेक्शन है, तो यहां पर मैंने C1 बोल दिया, इसकी कैपेसिटेंस इसकी C2 बोल दी, इसकी C3 बोल दी, और आने वाला जो चार्ज है, आने वाला जो चार्ज है उस चार्ज को हमने यहां से बोल दिया कि आने वाला चार्ज सर क्यू है, ठीक है, तो सभी में चार्ज क्यू क्यू ही जाएगा, क्योंकि ये सीरीज कनेक्शन है ना। लेकिन सर वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होने का मतलब यहां का वोल्टेज V1 है, इसका वोल्टेज V2 है, इसका वोल्टेज V3 है, तो वोल्टेज अलग अलग सर, अगर वोल्टेज अलग अलग है तो बताइए जल्दी से नेट वोल्टेज कैसे निकालोगे, तो नेट वोल्टेज निकाला जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 से। अब हम सीरीज पढ़ा, सीरीज पढ़ रहा है, तो अभी अभी बताया था मैंने आपको फॉर्मूला कि सी बराबर होता है क्यू बटे वी बताया था, तो बताओ वी बराबर कितना हो जाएगा, तो यहां से वी बराबर आप कह सकते हो कि वी बराबर हो जाएगा क्यू बटे सी, V बराबर Q बटे C, तुरंत दो ना V बराबर Q बटे C, तो यहां पर हो जाएगा तो कहे दो रे Q बटे C1, अच्छा Q सबके लिए कॉमन है यार, Q सबके लिए कॉमन है,
तो यहां पर सिर्फ आएगा 1/C1, यहां पर आएगा 1/C2, यहां पर आएगा 1/C3 प्लस वे, और यहां पर आ जाएगा नेट 1/C। देख लो तो आप देख पाए उल्टा है, उल्टा मतलब वहां देखो रेजिस्टेंस का सीरीज था R1 + R2 + R3, लेकिन कैपेसिटर का सीरीज है 1/C + 1/C1 + 1/C2 + 1/C3, उल्टा है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का सीरीज, पावर का सीरीज पैरेलल और कैपेसिटर का सीरीज पैरेलल, इसके फॉर्मूले याद कर लेना भैया, पूछे जाते हैं। बोलो क्लियर है ना, चलो आगे बढ़ते हैं, है ना, नेक्स्ट स्लाइड देते हैं। अब अगली स्लाइड में मेरे पास कुछ बेहतरीन कॉन्सेप्ट है जो आपके सवालों को सॉल्व करेंगे, है ना। ये बेहतरीन कॉन्सेप्ट से सवाल कैसे सॉल्व किए जाएंगे इसको मुझे देखना, जैसे कि ये देखो ये पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है ना, कुछ एग्जांपल भी मुझे सॉल्व कराने ताकि आप ये सब चीजें सीख सको, ये सब क्या चल रहा है ना। देखो सवाल लिखा हुआ है, यदि किसी तार की लंबाई खींचकर 3 गुनी कर दी जाती है। सर तार की लंबाई खींचकर 3 गुनी कर दी तो बताना है उसका नया प्रतिरोध क्या हो जाएगा। तो इस बात को पहले समझ लो, जैसे कि मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि मेरे पास किसी तार की लंबाई L1 थी और मैंने लंबाई को L2 कर दिया, लेकिन खींचता कैसे, खींचता तो धार अपना लंबाई को L1 से L2 किया और मैंने कह दिया कि L1 से जब L2 किया तो N गुना किया गया, कितने गुना किया गया, N गुना, ठीक है N गुना किया। तो इस बात को याद रखिएगा, जब भी कभी तार की लंबाई को खींचकर N गुना किया जाता है तो पहले वाला रेजिस्टेंस मान लीजिए R1 था, बाद वाला रेजिस्टेंस R2 था, लंबाई तुमने बढ़ाया है तो कंफर्म रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो नया वाला जो रेजिस्टेंस R2 होता है उसको निकालने का फॉर्मूला होता है N² × R1, N² × R1 लगा दीजिए, नया वाला रेजिस्टेंस पता चल जाता है। ठीक है, इस बात को याद रखना। लेकिन ये केस टेबल केवल और केवल तभी वैलिड है जब आप तार को खींचकर बढ़ा रहे हो, खींचकर मतलब होता है लंबाई बढ़ी हो और एरिया घटा हुआ हो, यह बात ध्यान रखना। तो जरूर क्या है, यदि किसी तार की लंबाई खींचकर 3 गुनी कर दी गई तो साफ साफ लिखा हुआ है सर 3 गुना कर दिया गया, इसका मतलब n बराबर कितना हो गया सर 3 हो गया। तो बोला जा रहा है तो नया प्रतिरोध कितने गुना हो जाएगा, तो नया प्रतिरोध R2 होता है N² × R1। तो जल्दी बताइए, अगर n 3 है तो 3 × 9 = R1, तो रेजिस्टेंस सर कितने गुना हुआ है, तो आप कहोगे 9 गुना हो गया रेजिस्टेंस। देख लो तो रेजिस्टेंस सर 9 गुना हो गया, ये तुम्हारे सवाल का आंसर होगा, रेजिस्टेंस सर 9 गुना हो गया। बोलो क्लियर है ना, तो ये आप लोग यहां फॉर्मूला जरूर याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है N² × R1। अगला सवाल देखिए, ये फॉर्मूला भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा अच्छा सवाल है। अब ये सवाल देखो क्या है, सर ये सवाल है कि यदि किसी तार की लंबाई खींचकर 10% बढ़ा दी जाती है तो बताओ नया प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है, ये भी बड़ा अच्छा सवाल है, सर इस बार जो है लंबाई को आपने कितना प्रतिशत बढ़ाया है, 10% बढ़ाया है। अब इस बार n गुना 3 गुना 4 गुना नहीं दिया गया, प्रतिशत में सवाल दिया गया है कि लंबाई को 10% बढ़ा दो तो बताइए रेजिस्टेंस कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो आपने अभी अभी फॉर्मूला क्या पढ़ा, सर R2 बराबर फॉर्मूला पढ़ा है N² × R1, है ना। तो ये बताओ यहां पर पावर कितनी लगी हुई है, पावर 2 लगी हुई है ना, तो जब भी अभी 2 पावर वाले सवाल हुआ करे आप उसको AB फॉर्मूले से लगा सकते हो, AB फॉर्मूले से, है ना। तो डायरेक्ट आप लोग AB फॉर्मूले लगाइए, आंसर आ जाएगा। AB फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको बता दूं, सर AB फॉर्मूला होता है आपका A + B + AB/100, A + B + AB/100, इससे सवाल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बस ये ध्यान रखना अगर तुम्हारी वैल्यू बढ़ी है तो आपको प्लस में लेना है और वैल्यू घटी है तो माइनस में लेना है। तो लंबाई 10% बढ़ाई रही है तो प्लस में लोड है तो 10 यहां रखोगे प्लस 10 × 10 यहां रखोगे और जल्दी बताइए नीचे क्या रखोगे, सर नीचे 100 है तो आप बताओ इसको सॉल्व करके 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 8 बचेगा, 10 + 10 = 20 हो जाएगा और 20 और 8 सर 21 हो जाएगा, तो लंबाई 21% रेजिस्टेंस 21% बढ़ जाएगा, प्रतिरोध 21% बढ़ जाएगा। ठीक, तो जब भी कभी परसेंटेज वाले सवाल हो आप जो है AB फॉर्मूले से लगा सकते हो, और अगर गुणे वाले सवाल है तो आप यले सवाल से लगा सकते हो, आंसर आ जाएगा चोरे दो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखिए। अब ये सवाल देखो कितना प्यारा है, 30 वाट और 50 वाट के 2 बल्बों को जोड़ने पर कौन सा बल्ब अधिक चमकेगा।
मतलब इसमें मुझे थोड़ा टाइम भी देना पड़ेगा अगले सवाल को समझने के लिए। छोटी सवाल बड़ा खास है कि 30 वाट और 50 वाट के दो बल्ब जोड़े जा रहे हैं और बताओ कौन सा बल्ब अधिक चमकेगा। और पहला पार्ट लिखा है कि जब दोनों सीरीज में जुड़े हो, दूसरा पार्ट है जब दोनों समांतर में जुड़े हो, है ना। तो पहले मैं सीरीज वाला सॉल्व कर लूं, कि अगर दोनों बल्ब कैसे जुड़े हों, सीरीज में जुड़े हों, ठीक है। तो मैंने अभी अभी आपको बताया था कि जब भी कभी बल्ब वाले सवाल हो तो हमेशा ध्यान रखना जो भी पावर होता है वो रेजिस्टेंस के उल्टे में होता है, या फिर आप इसको उल्टा भी बोल सकते हो कि जो भी उनका रेजिस्टेंस हो रहा वो पावर के उल्टे में हो रहा, पावर के उल्टे में हो रहा। तो मेरे पास दो बल्ब है, एक 30 वाट वाला है, दूसरा 50 वाट वाला है। तो एक काम करते हैं कि कुछ मान लेते हैं, कुछ मानने का मतलब यह है कि 30 वाट वाले बल्ब को, 30 वाट वाले बल्ब को हमने 1 बोल दिया और 50 वाट वाले बल्ब को हमने 2 बोल दिया। यह मान के सवाल सोल्व करना पड़ेगा। 30 वाट वाले को हमने 1 बोला, 50 वाट वाले को 2 बोला, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर मैं पूछूं कि बताइए R1 R2 का अनुपात क्या होगा, तो कहोगे R1 R2 का अनुपात चाहिए, तो ये तुम्हारी जो पावर P1 P2 है सर, इनको उल्टा करना पड़ेगा, तो P1 P2 का अनुपात 3:5 है, तो R1 R2 का अनुपात 5:3 हो जाएगा, R1 R2 का अनुपात 5:3 हो जाएगा, ठीक है। अब ये सवाल था सर, जो बल्ब जोड़े रहे हैं वो देखो कैसे जोड़े रहे, पहला वाला कैसे सीरीज में जोड़े रहे। तो सीरीज का मतलब होता है धारा समान होना, सीरीज का मतलब क्या होता है, धारा समान होना। तो धारा समान होना होता है, तो जल्दी बताइए सीरीज के लिए R बराबर फॉर्मूला क्या होता है। सर R बराबर फॉर्मूला होता है V बटे I बराबर R, तो R बराबर V बटे I, ठीक है, V बटे I, ठीक है। तो एक बात बताइए कौन, अच्छा पावर का फॉर्मूला लगाइए, चमकना जो है R से थोड़ी ना होता, चमकना तो पावर से होता है ना, पावर से। तो R का तुम्हें पाथ पता है और सीरीज कनेक्शन है, तो सीरीज कनेक्शन में धारा सेम होती है, तो पावर का तुम फॉर्मूला बन रहा हो आई स्क्वायर इंटू आर वाला, I square into R वाला फॉर्म लगा है। तो आप भाई साहब ये कह सकते हो कि I तुम्हारा कांस्टेंट है, I इसलिए कांस्टेंट है क्योंकि कनेक्शन तुम्हारा पहले वाले केस में सीरीज माने माना है। तो पावर यहां पर देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R आ गई, लेकिन ये जो पावर आती है ना, ये रेजिस्टेंस वाली चमटने वाली पावर आती है, और पहले जो पावर थी ना भाई साहब वो मैक्सिमम पावर थी। तो आप ये बताइए जरा, यहां पर रेजिस्टेंस किसका ज्यादा है। सर रेजिस्टेंस ज्यादा है 5 का, यानी 1 वाले का, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पावर का जो अनुपात आ जाएगा P1 अनुपात है P2, अगर पूछा जाएगा तो P1 अनुपात है P2 में डायरेक्ट निकाल दे रहा हूं कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R होगा यहां से। तो P1 अनुपात जो P2 आएगा, P1 अनुपात जो P2 आएगा सर वो 5:3 आएगा। तो किसकी पावर ज्यादा हो जाएगी, पहले वाले की पावर ज्यादा हो जाएगी चमकने के लिए, ठीक है। पहले वाले की पावर चमकने वाली, देखो ये पावर होती है मैक्सिमम पावर जो 30 और 50 वाट दी रहती है, लेकिन ये चमकने वाली पावर होती है ना, इस बात को। तो कौन सा बल्ब ज्यादा चमकेगा, सर P1 ज्यादा आया है, इसका मतलब 30 वाट वाला बल्ब ज्यादा चमकेगा, ठीक है। तो सही आंसर होगा पहले वाले का, सीरीज वाले का होगा कि सीरीज वाले में 30 वाट वाला बल्ब, 30 वाट वाला बल्ब अधिक अधिक चमकेगा, अधिक चमकेगा। तो आप इसको उल्टा करके याद कर लो, मैंने एक को समझा दिया, दूसरा वाला ऑटोमेटिक समझा सकता है। आप इसको उल्टा करके याद कर लो, उल्टा करके याद करने का मतलब मैं दोनों टेस आपको देखू यहां पर फाइनली लिख देता हूं, ये दोनों टेस मैं फाइनली लिख देता हूं। उल्टा करके आप इसको ऐसे याद करो, अगर तुम्हारे पास सीरीज कनेक्शन है, यानी सीरीज कनेक्शन में पूछा जा रहा है, तो सीरीज कनेक्शन में कौन सा बल्ब ज्यादा चमकेगा, तो जो आंसर जाएगा वो 30 वाट वाले के साथ जाएगा, 30 वाट वाला, सब 30 वाट वाला ज्यादा चमकेगा सीरीज में। लेकिन अगर यही तुम्हारा जो है समांतर क्रम में पूछा जाएगा कि बताओ समांतर क्रम में कौन सा ज्यादा चमकेगा, पैरेलल में पूछा जाएगा, तो पैरेलल में ध्यान रखना जो आंसर जाएगा तुम्हारा वो 50 वाट वाले के साथ आंसर जाएगा, ठीक है। तो भाई साहब ये सारी की सारी कैलकुलेशन मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताई, बाकी आप इसको डायरेक्ट याद करो। डायरेक्ट ये याद करना है कि सीरीज कनेक्शन में जोड़ोगे तो जिसकी पावर सबसे कम होगी सर वो ज्यादा चमकेगा, समांतर में जोड़ोगे तो जिसकी पावर ज्यादा होगी सर वो ज्यादा चमकेगा। देख लो, बोलो क्लियर है ना इतना, चलिए आगे, ठीक है। अब अगला सवाल देखिए ये क्या कहता है। तो ये सवाल हमारा ये है कि 100 ओम बेहतरीन क्वेश्चन है ना, जो मैंने अभी बातें बताई उन्हीं से सॉल्व हो जाएगा। सवाल ये कि 100 ओम प्रत्येक प्रतिरोध के
50 लैंप समांतर क्रम में जुड़े हैं, 220 वोल्ट के मेन स्विच के द्वारा जुड़े हैं, 20 घंटे चलाने पर ₹1 प्रति किलोवाट घंटे की दर से। अच्छा, किलोवाट घंटा जो होता है सर वही यूनिट होता है, तो ₹1 यूनिट के हिसाब से आपको बताना है कि कितना रुपए लगेगा, लागत मूल्य बतानी है, ठीक है। ऐसे सवाल आपने बहुत सारे लगाए होंगे, लेकिन वो सवाल थोड़ा सा आसान थे, ये सवाल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। क्यों कॉम्प्लिकेटेड है? क्योंकि इन्होंने साफ साफ बोल रखा है 100 ओम प्रतिरोध के 50 लैंप समांतर क्रम में जुड़े हैं। सबसे बड़ी बात यह है, समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो याद करो, मैंने आपको अभी अभी बताया था, समांतर क्रम का मतलब होता है उल्टे में जोड़ना। समांतर क्रम का मतलब होता है कि आप उल्टा करके जोड़ो। लेकिन जब 50 लैंप जुड़े हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि जो आर डैश का फॉर्मूला आएगा वो आ जाएगा आर बटे एन। इस बात को याद रख लो पहले कि यदि एन समान रेजिस्टेंस समांतर क्रम में जुड़े हो तो डायरेक्ट उनका जो नेट रेजिस्टेंस होता है वो आर बटे एन होता है। उल्टा करके जोड़ो रहे ना, इसलिए। तो बताइए जरा, अगर मैं यहां पर पूछूं कि आर कितना है, तो कहोगे 100, और उनकी संख्या कितनी थी, कहोगे 50। तो जल्दी बताइए जो नेट रेजिस्टेंस आ गया वो कितना आ गया, कहोगे 2 ओम आ गया, ठीक है। अब 2 ओम तुम्हारे पास नेट रेजिस्टेंस आ गया। अब आपको करना क्या है सर, यहां पर मुझे किसी तरीके से नंबर ऑफ यूनिट बतानी है, क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट ही किलोवाट आवर होता है। तो आप यहां पर नंबर ऑफ यूनिट का फॉर्मूला लगाइए, नंबर ऑफ यूनिट का फॉर्मूला लगाइए। अगर बोला जाए नंबर ऑफ यूनिट बताओ क्या है, क्या है सर नंबर ऑफ यूनिट, तो कहना कि आप पहले तो पावर निकालो। तो पावर देखो, आई की वैल्यू दी रही है, नहीं दी रही है कोई बात नहीं, वी दिया गया है आप लोगों को और आर दिया गया है, तो आपको कौन वाला फॉर्मूला लगाना चाहिए। देखो, एक होता है वी इंटू आई, दूसरा होता है आई स्क्वायर इंटू आर, तीसरा होता है वी स्क्वायर बटे आर। तो तुम्हें यह लगाना चाहिए वी स्क्वायर बटे आर, ये लगाना चाहिए, और इंटू जो है टी का मल्टीप्लाई करना चाहिए, बसरते ये जो मान आएगा ये वाट आवर में आएगा, और किलो वाट आवर बनाना है देख लो तो बटे 8000 भी करना पड़ेगा आपको। बस ये लगाओ आंसर पाओ, ये लगाओ आंसर पाओ। तो वी कितना है सर, वी है 220, तो 220 गुणे 220 हो जाएगा। समय टी कितना है सर, समय टी है तुम्हारा 20 घंटे, तो 20 घंटे यहां पर हो गया। नेट रेजिस्टेंस आर कितना है सर, 2 ओम है, और डिवाइड बाई 8000 इसलिए किया ताकि वो किलोवाट आवर में बन सके। बस आप इसको सॉल्व कर लो, तो आप ये देखो 3 जीरो से 3 जीरो, 8, 2 और 3, बाकी 2 से देखो 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो 22 गुणे 22 सर 484 होता है ना। तो सर 484 यूनिट आ गया, 484 यूनिट आ गया, 22 गुणे 22 होता है। अब इन्होंने साफ साफ बोला था कि जो ₹1 है वो प्रति किलोवाट आवर है, यानी ₹1 एक यूनिट का है। तो अगर ₹1 एक यूनिट का है तो आप कहोगे कि 8 यूनिट के लिए जो तुम्हें रुपए देना है सर वो ₹1 देना है, तो बताइए 484 यूनिट के लिए कितना रुपए देना होगा। तो कहोगे 484 यूनिट के लिए जो रुपए देना होगा सर, सर वो 484 रुपए देना होगा, चेक लीजिए, ठीक है। तो इसका सवाल का जो उत्तर होगा वो 484 रुपए होगा। बढ़िया, अच्छा सवाल था, मजेदार सवाल था, ठीक है। चलो आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अच्छा, अब अगली हेडिंग है मेरे पास, क्वेश्चन ये फ्यूज वायर। अब आप ये समझो पहले फ्यूज वायर होता क्या है। देखो, जब भी कभी बात हम लोग फ्यूज वायर की करेंगे तो आप ऐसा कह सकते हो कि फ्यूज वायर का मतलब ये होता है कि आपके घरों में अगर सप्लाई थोड़ा सा ज्यादा आ जाए, तो सप्लाई जब भी कभी ज्यादा आती है तो पूरे बल्ब की लाइट को बचाने के लिए आप वहां पर फ्यूज वायर लगाते हो, ठीक है। तो आपसे बता दें फ्यूज वायर से प्रश्न कैसा पूछा जाता है। सबसे पहले पूछा जाता है कि बताइए फ्यूज वायर जो होता है वो किस मटेरियल का बनाया जाता है। तो दरअसल अपना फ्यूज वायर बनाया जाता है पीबी प्लस एसएन का। पीबी का मतलब होता है लेड और एसएन का मतलब होता है टिन, लेड प्लस टिन का बनाया जाता है। सर फ्यूज वायर जो है अपने आप को मेल्ट करके, भाई सप्लाई ज्यादा आई, करंट ज्यादा आई, हीट ज्यादा आएगी तो अपने आप को मेल्ट करा लेता है। तो मेल्ट कराने के लिए दरअसल फ्यूज वायर का जो मेल्टिंग टेम्परेचर होना चाहिए वो लो होना चाहिए। तो दूसरा पॉइंट पूछा जाता है कि फ्यूज वायर का मेल्टिंग टेम्परेचर कैसा होता है, तो आप कहना लो मेल्टिंग टेम्परेचर होता है, लो मेल्टिंग टेम्परेचर होता है फ्यूज वायर का। लेकिन रेजिस्टेंस कैसा होता है, हाई रेजिस्टेंस होता है, हाई रेजिस्टेंस होता है। तो लो मेल्टिंग टेम्परेचर, हाई रेजिस्टेंस, ये सब फ्यूज वायर की क्वालिटी है। और फ्यूज वायर तब लगाया जाता है जब आपको बहुत ज्यादा सप्लाई आ जाने पर घरों के इंस्ट्रूमेंट को बचाना हो, तब उस समय हम लोग फ्यूज वायर लगाते हैं। फ्यूज वायर कह सकते हो आपके घरों की सप्लाई की रक्षा करता है एक प्रकार से, ठीक है। पीवी प्लस एसएन का बना होता है, लो मेल्टिंग टेम्परेचर होता है, हाई रेजिस्टेंस होता है, इस बात को याद रखिए, ये इसकी क्वालिटी है। चलो अगली स्लाइड देखिए।
सर हाँ, अब ये बढ़िया स्लाइड आई है, एमीटर। एमीटर सबसे पहले देखो मैं आपको बता दूं, आपको अब दो चीजें समझनी है, एक तो एमीटर समझना, दूसरा वोल्टमीटर समझना। तो एमीटर वो होता है जो धारा मापता है। एमीटर क्या होता है सर? एमीटर वो होता है जो धारा मापता है। अब आप मुझे पहले ये समझो कि ये धारा मापता कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि ये मेरे पास रहा रेजिस्टेंस, ये मेरे पास रहा रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस रहा, और ये रेजिस्टेंस जो है एक बैटरी से जोड़ा गया है। मैं ऐसा मान के चलता हूं कि ये जो बैटरी है, ये मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि 60 वोल्ट की है। कितने वोल्ट की बैटरी है? 60 वोल्ट की। साथ साथ मैंने ये मान लिया कि ये जो रेजिस्टेंस ये 10 ओम का है। ये रेजिस्टेंस कितने ओम का है? 10 ओम का रेजिस्टेंस है। ये R बराबर 10 ओम है, इसका R बराबर 10 ओम। तो आप बताइए, अगर ये रेजिस्टेंस R बराबर 10 ओम है, 60 वोल्ट की बैटरी है, तो मैंने आपसे अगर ये पूछा होता कि यहां बहने वाली धारा I कितनी होनी चाहिए, तो आप कहते कि सर I बराबर तुम्हें V बटे R लगाना पड़ेगा, V बटे R लगाना पड़ेगा। तो जब तुम I बराबर V बटे R लगाओगे, V बटे R लगाओगे, तो आप कहोगे 60 बटे 10 करोगे, और 60 बटे 10 का मतलब हो गया 6 एम्पियर। तो आने वाली धारा 6 एम्पियर है, आने वाली धारा 6 एम्पियर है। लेकिन मैंने कहा कि सर हो सकता है कि आप लोग फॉर्मूले से जो निकाल रहे हो उतना ना निकले, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पर एक एमीटर लगाना पड़ेगा, एमीटर। तो मैंने यहां पर एक एमीटर लगा दिया, एमीटर। पहली बात, पहला प्रश्न पूछा जाता है कि सर एमीटर बताओ, एमीटर बताओ रेजिस्टेंस के सीरीज में लगाया जाता है कि पैरेलल में? तो भैया एमीटर तो धारा ही तो बतानी है, रेजिस्टेंस में बहने वाली। तो एमीटर से पहला क्वेश्चन आता है कि बताइए एमीटर कैसे लगाया जाता है? तो आप कहना रेजिस्टेंस के सीरीज में लगाया जाता है एमीटर। तो पहला क्वेश्चन, रेजिस्टेंस के सीरीज में लगाया जाता है। अच्छा, ये चीज हो गई। अब आप मुझे ये बताओ जरा, जब तुमने एमीटर नहीं लगाया था तो तुमने कहा कि धारा सर 6 एम्पियर आनी चाहिए, तो एमीटर को लगाने के बाद भी धारा 6 एम्पियर आनी चाहिए, और ये तभी पॉसिबल है जब एमीटर का आइडियल रेजिस्टेंस जीरो होना चाहिए। ठीक है, आप खुद सोचो, अगर ये रेजिस्टेंस जीरो ना होता, ये रेजिस्टेंस मान लीजिए 2 ओम होता, फॉर एग्जांपल ये रेजिस्टेंस 2 ओम होता, 2 ओम, तो फिर आपका 10 प्लस 2 12 नीचे रखते और 60 बटे 12 करते तो धारा 5 एम्पियर आती। क्या आप ऐसा चाहते हो? आप तो ये चाहते हो ना कि एमीटर जो है धारा को मापे, धारा को उठा ना जाए। बात को समझो, पहले बात को। ये बात ठीक उसी तरीके से जैसे आप लोग अपने घर में बावर्ची को रखते हो ना, बावर्ची। तो मान लीजिए आप लोगों को 3 लोग का खाना बनाना है, तो बावर्ची रखने पर भी 3 ही लोग का खाना बनाना पड़े। ऐसा ना हो कि बावर्ची को रख लिया तो खाना 3 लोग का बनना तो चाहिए था 3 लोग का, बचा वो 2.5 लोगों का, 2 लोगों का थोड़ा वो बावर्ची खा लेगा, है ना। तो हम लोग ऐसा बावर्ची रखना चाहिए जो खुद का जो है खाना ना खाए, मतलब ऐसा मेडिटर रखना चाहिए जो धारा को ना खाए, और ये तभी पॉसिबल है। आप खुद बताओ ना, अगर यहां पर मैंने आर की जगह 0 ना लिखा होता, आर की जगह मैंने 0 ना लिखा होता, यहां पर आर की जगह हमारा मैंने 2 ओम लिखा होता, सर मान लीजिए आर 2 ओम होता, ठीक है, फॉर एग्जांपल 2 ओम होता, तो बताइए अगर 2 ओम होता तो 10 प्लस 2 12 नीचे रखते धारा 5 एम्पियर आती, सवाल गलत हो जाता। इसलिए मतलब पहला प्रश्न ये पूछा जाता है कि बताइए जो भी तुम यहां पर एमीटर लगाते हो, जो भी एमीटर लगाते हो सर, वो एमीटर का बताइए आइडियल रेजिस्टेंस कितना होता है? तो आप कहना 0। ये दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा कि एमीटर का जो आइडियल रेजिस्टेंस है, आइडियल रेजिस्टेंस बताओ कितना होता है? तो एमीटर का आइडियल रेजिस्टेंस सर 0 होता है। ये अगला प्रश्न है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया, उसके बाद मैं और कुछ बातें बताता हूं। सर ये एमीटर बनता कैसे? तो ध्यान रखना, एमीटर जो बनता है वो गैल्वेनोमीटर से बनता है, गैल्वेनोमीटर से। कैसे, मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये तुम्हारे पास रहा गैल्वेनोमीटर, ये रहा एक तुम्हारे पास गैल्वेनोमीटर, ठीक है। अब इस गैल्वेनोमीटर को मुझे एमीटर बनाना है। एमीटर बनाने का मतलब ये होता है कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर बनाने का मतलब है कि इसका नेट रेजिस्टेंस या आइडियल रेजिस्टेंस जीरो करना है। तो गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में एक हम लोग हाई रेजिस्टेंस लगाते हैं, गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में एक हाई रेजिस्टेंस लगाते हैं जिसको संट कहते हैं। ये संट रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है, इतना ज्यादा होता है कि ये रेजिस्टेंस यहां से लेटर इस पूरे का जो रेजिस्टेंस है वो लगभग 0 कर देता है। इस बात को पहले याद कर लो, समांतर क्रम में लगाने से हमेशा रेजिस्टेंस घटता है और सीरीज क्रम में लगाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो समांतर क्रम में अगर आपने ये रेजिस्टेंस लगाया है,
अच्छा समांतर क्रम में ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं लगाना है, उल्टा लिख दिया सर, समांतर क्रम में ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं लगाना, समांतर क्रम में कम से कम रेजिस्टेंस लगाइए, ज्यादा से ज्यादा नहीं, क्योंकि ज्यादा ज्यादा रेजिस्टेंस लगाओगे तो रेजिस्टेंस और बढ़ जाएगा। समांतर क्रम में जो रेजिस्टेंस लगाओ सर वो कम से कम रेजिस्टेंस लगाओ, ठीक है। मान लीजिए ये रेजिस्टेंस 2 ओम होता तो नेट रेजिस्टेंस 2 ओम से कम आता, ये रेजिस्टेंस 8 ओम होता तो नेट रेजिस्टेंस 8 ओम से कम आता है ना। तो समांतर क्रम में कम से कम रेजिस्टेंस लगाओगे तो इसका जो परिणामी रेजिस्टेंस होगा वो लगभग 0 के बराबर आ जाएगा। फिर उस कंडीशन में ये गैल्वेनोमीटर अमीटर बन जाता है। तो मैं बताता हूं अमीटर से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन, अमीटर रेजिस्टेंस टेस्ट कैसा लगाया जाता है, रेजिस्टेंस टेस्ट कैसा लगाया जाता है सीरीज में। अमीटर मापता क्या है सर, अमीटर धारा मापता है। आइडियल अमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है सर, 0 होता है। गैल्वेनोमीटर से अमीटर बनाना है तो संट जो लगाना है वो कैसे लगाना है, तो आपको समांतर में लगाना है और कम से कम प्रतिरोध का लगाना है। कम से कम प्रतिरोध का आपने संट लगाया है तो देख लो भैया इसका जो नेट रेजिस्टेंस होगा वो 0 हो जाएगा। बोलो क्लियर है ना। तो इससे इतने सारे प्रश्न जो है हमारे अमीटर से बनते हैं। अब इसके बाद जो अगली आइटम आती है सर, वो इसी के अगली कड़ी में वोल्टमीटर आती है, वोल्टमीटर। अब आप ये समझो कि सर वोल्टमीटर कैसे बनाना है। तो जब भी कभी बात वोल्टमीटर की करना, तो वोल्टमीटर बनाने के लिए मैंने यहां पर क्या किया है, अपनी तरफ से जो है एक रेजिस्टेंस मान लिया कि सर ये रेजिस्टेंस है और ये रही कोई बैटरी, ठीक है। तो वोल्टमीटर हमेशा पहले याद रखो, वोल्टमीटर रेजिस्टेंस के समांतर में लगाया जाता है, वोल्टमीटर रेजिस्टेंस के समांतर में लगाया जाता है। तो वोल्टमीटर को हमने देखो रेजिस्टेंस के समांतर में लगा दिया सर, ये रहा वोल्टमीटर। वोल्टमीटर क्या काम करता है कि दो रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के सिरों के बीच, रेजिस्टेंस के सिरों के बीच वोल्टेज बताता है। रेजिस्टेंस के सिरों के बीच वोल्टेज बताना या वोल्टेज डिफरेंस बताना सर ये वोल्टमीटर का काम है। तो वोल्टमीटर का पहला प्रश्न बनेगा कि बताइए वोल्टमीटर से क्या मापा जाता है। तो ध्यान रखना वोल्टमीटर से वोल्टेज मापा जाता है, वोल्टेज मापा जाता है, वोल्टेज आप कह दो या पोटेंशियल डिफरेंस कह दो एक ही बात है। वोल्टमीटर रेजिस्टेंस टेस्ट ऐसा लगाया जाता है, तो कहना रेजिस्टेंस लगाया जाता है समांतर क्रम में, देखो समांतर क्रम में लगाया है ना। अब समांतर क्रम में लगाया है तो इसको क्या करना चाहिए, देखो होता क्या है कि मैं ये चाहता हूं कि यहां से निकलने वाली ज्यादा से ज्यादा धारा, ज्यादा से ज्यादा धारा, वो ज्यादा ज्यादा धारा करंट में रेजिस्टेंस में जाए, यानी वोल्टमीटर में जाने वाली धारा जो है वो 0 हो। और ये तभी पॉसिबल है जब वोल्टमीटर का आइडियल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो। बताओ आइडियल रेजिस्टेंस कैसा हो, इनफाइनाइट हो। सर क्यों इनफाइनाइट, मैंने अभी भी बताया आप लोगों को, जहां धारा, जहां रेजिस्टेंस ज्यादा होगी वहां धारा कम होगी, है ना। तो मैं ऐसा चाहता हूं कि यहां से निकलने वाली जो भी करंट है वो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस में पहुंचे, वोल्टमीटर में बिल्कुल भी ना जाए। ये तभी पॉसिबल है जब यहां का आर इनफाइनाइट हो। तो अगला प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए आदर्श वोल्टमीटर का यानी आइडियल वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस होना चाहिए सर वो कितना होना चाहिए। तो ध्यान रखना आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस सर इनफाइनाइट होना चाहिए, ठीक है। अब अगला प्रश्न ये है कि गैल्वेनोमीटर से मान लो मुझे एमीटर वोल्टमीटर बनाना है, तो सर ये रहा तुम्हारा गैल्वेनोमीटर और गैल्वेनोमीटर से तुम्हें अगर बनाना है वोल्टमीटर तो इसके रेजिस्टेंस को इनफाइनाइट करना पड़ेगा। और रेजिस्टेंस को इनफाइनाइट करना है तो इसका एक ही रास्ता है, इसका एक ही रास्ता है, इसके सीरीज में हाई रेजिस्टेंस लगा दो। जब गैल्वेनोमीटर के सीरीज में हाई रेजिस्टेंस लगाया जाता है, जब गैल्वेनोमीटर के सीरीज में हाई रेजिस्टेंस लगाया जाता है, हाई रेजिस्टेंस, तभी तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा फाइनली, और बढ़ के कितना हो जाएगा इनफाइनाइट। और जब बढ़ के इनफाइनाइट हो जाएगा तो उस कंडीशन में उसे बोला जाता है वोल्टमीटर। तो आप इसको ये याद करो कि सर जो वोल्टमीटर एमीटर होते हैं वो गैल्वेनोमीटर से बनते हैं। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस यदि लो कर दिया जाए, एकदम 0 कर दिया जाए तो वोल्टमीटर बनेगा। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस एकदम हाई कर दिया जाए तो एमीटर बनेगा। हाई करने के लिए सीरीज में रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा गैल्वेनोमीटर के, लो करने के लिए समांतर में कम से कम रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा तब एमीटर बनेगा। लेकिन एमीटर और वोल्टमीटर कैसे लगाए जाते हैं, तो रेजिस्टेंस के पैरेलल लगाया जाता है वोल्टमीटर, लेकिन रेजिस्टेंस के सीरीज में लगाया जाता है एमीटर। एमीटर धारा मापता है, वोल्टमीटर वोल्टेज मापता है, ठीक है। तो ये बड़ा कंफ्यूज करता है ये टॉपिक, मैं आपको बताऊं, इसलिए थोड़ा ध्यान से पढ़ लो भैया, ये टॉपिक सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है बच्चों को, ठीक है। चलिए अगली स्लाइड देखिए क्या। हाँ
अभी तक मैंने रेजिस्टेंस के ढेरों बातें बताई, लेकिन रेजिस्टेंस को सीरीज और पैरेलल में सॉल्व कराना नहीं बताया। तो ये मैं अब आपको सीरीज और पैरेलल में सॉल्व कराना बताता हूं। क्या देखो यहां पर ये मैंने आपको रेजिस्टेंस के लिए एक कॉमन कॉम्बिनेशन दिखाया, और सवाल तुम्हारा बस इतना सा है कि ए से बी के बीच में, ए से बी के बीच में आपको नेट रेजिस्टेंस बताना है। कैसे पता चले? सर ये 2 ओम है और ये 6 और 3 ओम है, तो आपको पता है कि ये जो 6 और 3 ओम मैंने दिखाया, ये 6 और 3 ओम। सर ये 6 और 3 ओम जो है समांतर क्रम में है, तो याद करो समांतर क्रम के लिए मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताया 1/R + 1/R1 + 1/R2। लेकिन अगर इसको नेट 2 के लिए पूछा जाता कि 2 के लिए बताइए नेट रेजिस्टेंस क्या होता है, तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो R1 R2 / R1 + R2। सिर्फ ये 2 के लिए है, उल्टा करके लगा। तो अगर 6 और 3 मेरे समांतर क्रम में है तो जल्दी बताइए 6 और 3 का समांतर क्रम का नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो 6 × 3 / 6 + 3 18/9, और 18/9 का मतलब हो गया 2 ओम। ये हो गया देखो, तो नेट रेजिस्टेंस सर 2 ओम हो गया। अब इसका नेट रेजिस्टेंस 2 ओम है, 2 + 2 आई सीरीज हो जाएगा, सीरीज में तो डायरेक्ट लगता है। सीरीज में अब मैं सीरीज वाला फॉर्मूला लगाने वाला हूं, R बराबर क्या होता है R1 + R2। अब भाई ये बताओ इसका नेट रेजिस्टेंस 2 ओम आ चुका, ये 2 ओम पहले से, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा सर 4 ओम। तो पूरे कॉम्बिनेशन का जो नेट रेजिस्टेंस आंसर जो बताया जाएगा सर वो 4 ओम बताया जाएगा। ये तुम्हारा आंसर है, बोलो क्लियर है ना? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था ये, ठीक है? तो रेजिस्टेंस का सीरीज पैरेलल करना जोड़ ली सीख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, इसी तरह से ये एग्जांपल देखिए क्या। सर ये एग्जांपल में तो देखो तीनों चीजें हमारी 8 to 8, 8 to 8 बाद में जुड़ी है, यानी ये तो डायरेक्ट सीरीज है, ये तो डायरेक्ट सीरीज है। तो रेजिस्टेंस का याद करो, जब भी कभी मैंने आपको सीरीज कनेक्शन पढ़ाया है तो मैंने आपको कहा है कि R1 + R2 + R3 लगाओ बस। तो ये तुम्हारा 6 + 4 + 5, तो फाइनली देखिए जो आंसर हो जाएगा वो हमारा 15 ओम आ जाएगा। तो इस सवाल का जो सही उत्तर हो जाएगा नेट रेजिस्टेंस का सर वो 15 ओम होगा, है ना? ये इसका आंसर, ठीक। तो इसके बाद अब अगला सवाल भी देख लेते इस तरह का कैसा। ये देखिए ये सवाल भी बहुत ज्यादा बार एग्जाम में पूछा गया, एग्जाम्पल नंबर 3 है। सवाल ये है कि मेरे पास जो है इस तरीके से ABC 6 3 2 लिखे, ये प्रश्न पता कैसे पूछा जाता है? या तो ए और बी के बीच नेट रेजिस्टेंस पूछा जाएगा, या तो ए और सी के बीच पूछा जाएगा, या तो बी और सी के बीच पूछा जाएगा। चलो मैं लिख लेता हूं किसके बीच पूछा जा रहा है ताकि आपको ये बात आसान रहे। मान लीजिए ये पूछा जा रहा है आपके किसके बीच ले लिया जाए, चलो ए और सी के बीच ले लेते, चलिए ए और सी ले लेते, ए और सी ले लेते। आपको जो नेट रेजिस्टेंस बताना है वो ए और सी के बीच बताना है, ये बताना है, ठीक है? तो यानी ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच नेट रेजिस्टेंस बताना है, है ना? तो जल्दी बताइए अगर इन दोनों पॉइंटों के बीच बताना है मुझे नेट रेजिस्टेंस, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सर अगर इन दोनों पॉइंटों के लिए बताना है तो 6 और 3 को मुझे पहले सीरीज, भाई ए और सी के बीच बताना है तो 6 और 3 का सीरीज जोड़ना पड़ेगा। तो 6 और 3 का जो सीरीज हो जाएगा वो 9 ओम हो जाएगा, 9 ओम। 6 और 3 का सीरीज 9 ओम हो जाएगा, लेकिन इसको 2 ओम के साथ समांतर बनाना पड़ेगा, इसको 2 ओम के साथ समांतर बनाना पड़ेगा भैया। तो 2 ओम के साथ अगर समांतर बनाना पड़ेगा तो RAC हो जाएगा सर 9 ओम। भाई 9 और 2 का समांतर कैसे निकाल हो गया? R1 R2 / R1 + R2 से, तो 9 2 9 2 / 9 + 2। तो यहां पर जो नेट रेजिस्टेंस आ जाएगा ए और सी के बीच वो आ जाएगा 18/11 ओम। हो सकता है कल को ये सवाल ऐसे पूछा जाता, नेट रेजिस्टेंस आपको ए और बी के बीच पूछा जाता, ए और बी के बीच, तो ए और बी के बीच अगर नेट रेजिस्टेंस पूछा जाता यानी RAB पूछा जाता आपसे, RAB क्या है? तो ए और बी के बीच पूछा जाता तो 6 हटा दो आप। अब आपको पता क्या करना पड़ता, 2 और 3 को, ये देखिए ये 2 और 3 को पहले सीरीज, भाई ए और बी के बीच पूछा जा रहा है तो ये दोनों सीरीज हो जाते 2 और 3। तो 2 और 3 का जो सीरीज हो जाएगा वो 5 हो जाएगा, और 5 और 6 को समांतर करना पड़ता तो ये हो जाता 5 × 6 / 5 + 6, जिसकी वजह से आंसर आ जाता 30/11 ओम। तो AB के बीच पूछा जाए, AC के बीच पूछा जाए, हो सकता है BC के बीच पूछा जाता, BC मतलब ये। तो यहां पर तुम्हें 6 और 2 के लिए सीरीज बनाना पड़ता,
मान लीजिए ये रेजिस्टेंस अगली बार आरबीसी पूछ लेता, तो जब आरबीसी पूछा जाता भैया तो यहां पर ये जो 6 और 2 है सर, ये इस बार सीरीज हो जाता 6 और 2 8, और 8 को 3 के साथ समांतर करना पड़ता, तो 8 को 3 के साथ समांतर करना पड़ता, तो 8 गुणे 3 बटे 8 प्लस 3, तब आंसर आता 24 बटे 11 ओम। तो भैया ये त्रिभुज वाला सवाल एक बार नहीं कई बार आ छुटा है, इसलिए आपको ये याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां से हमने क्या किया है, इलेक्ट्रिकल के जितने भी कॉन्सेप्ट थे जो तुम्हारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर कर दिए है। अब हम लोग इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे, लगभग 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस है इलेक्ट्रिकल की, ठीक है। तो आप इसे सबको लिख लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।